नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या भारद्वाज सर आज फिर से आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं BCW के इस सहचर वाले प्लेटफॉर्म पे। और आज से हम लोग जो है अब आगे वाला मॉडर्न हिस्ट्री का जो इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट वाला पार्ट जो चला रहे हैं ना, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया है 1915 से पहले यानी 1913 के गद्दर पार्टी तक आप सबको पढ़ा दिया है 1885 टू लेकर के और 1913 यानी गद्दर पार्टी तक हो गया है। आप सभी इस पे जा करके इस चैनल पे और पीछे के वीडियो को देख सकते हैं। इसके आगे वाला जो है आज से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि फिर से आप लोग तैयार हो जाइए। आज जो है 4-5 टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कामागाटा मारू इवेंट्स के बारे में, ये क्या थी 1914 की घटना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो टॉपिक होगा वो महात्मा गांधी से रिलेटेड, और आप सबको पता है कि हर एग्जाम में महात्मा गांधी से रिलेटेड ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक तो हुआ कि उन्होंने भारत में क्या किया और एक हुआ कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया। तो आज साउथ अफ्रीका और भारत दोनों को मिला करके कंबाइंड करके जितने भी तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं आपके एग्जाम में ना, उन सभी पे डिस्कस करने वाला हूं। तो महात्मा गांधी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में और हिस्ट्री के इस टॉपिक में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बाद कि महात्मा गांधी ने भारत में जो है पहला मूवमेंट जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया ना, उन चंपारण मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, तो उसको स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। तो ये जो है तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसके अलावा 1917 में जो चंपारण आंदोलन शुरू हुआ उसके ठीक एक साल पहले ही जो है ना होम रूल लीग मूवमेंट जो बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट के द्वारा अलग अलग जगहों से चलाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, तो आज ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं डिस्कशन करने वाला हूं। इसके अलावा जो है इस वीडियो के बाद दो मात्र क्लासेज आप सबकी बचेगी जिसमें पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का जो इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट वाला पार्ट है 1947 तक का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि कोमागाटा मारू जो है ये घटना ये किससे संबंधित है। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द कोमागाटा मारू इंसिडेंट। अब दोस्तों ये पूरा एक अपने आप में टॉपिक है, इससे रिलेटेड कुछ और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं जिसके बारे में पहले टॉपिक पे मैं डिस्कस कर देता हूं और तब जाकर के क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारा क्वेश्चन नहीं लिया हूं इसमें। 36 ही आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, लेकिन 36 भले ही क्वेश्चन है हम 200 प्लस आज क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को ये टॉपिक के रूप में मैं बता रहा हूं कि इस वाले जो टॉपिक से आएगा ना तो क्या क्या आ सकता है आपके एग्जाम में सवाल किए जा सकते हैं। तो चलिए आइए जो है सबसे पहले जो है एक हम लोग पेज निकाल लेते हैं और फिर जाकर के कोमागाटा मारू से रिलेटेड बातें को पढ़ लेते हैं, तब जाकर के आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो कामागाटा मारू है ना, ये एक जापानी जहाज का नाम है। कोमागाटा मारू ये क्या है, एक शिप का, एक जहाज का नाम है। और ये जो जहाज है ना, ये जहाज कहां की जहाज है, तो ये जापानी जहाज है दोस्तों। और ये जहाज जो है उसका यूज किया जाएगा हमारे देश के रेवोल्यूशनरीज के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा कनाडा जाने के लिए। कनाडा जो है एक देश का, एक कंट्री का नाम है। आखिर कनाडा लोग क्यों जाना चाहते थे, तो इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा चले तो हम लोगों को पता होगा। गद्दर पार्टी जब मैंने पढ़ाया था दोस्तों, तो आप सब उसमें जाकर के देखना, मैंने बताया होगा कि 1896 से लेकर के और 1900 तक देश में बहुत बड़ा ही अकाल यानी फेमिन पड़ा था, आया था, जिसमें लाखों लोग जो है भुखमरी के कारण मर गए थे दोस्तों। तो ये वाला इस टाइम तक जो है ना 1904-5 के आसपास आप देखोगे कि पंजाब के जितने भी एक सर्विसमैन है या फिर फार्मर है, किसान है, वो सारे के सारे देश छोड़कर के माइग्रेट करने लगे। कुछ लोग जो है जाकर के जापान में, कुछ लोग जाकर के कनाडा में पहले से ऑलरेडी बस गए, और कुछ लोग यूएसए में जाकर के यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जाकर के बस गए। और आप लोग को बताया था इससे पहले कि गद्दर पार्टी जो है ना, गद्दर पार्टी का जो सैन फ्रांसिस्को में जो हेड ऑफिस था, सैन फ्रांसिस्को जो है नॉर्थ अमेरिका का एक सिटी का नाम है, काफी फेमस सिटी रही है, जो 1913 में जहां से वहां से शुरू हुआ, 1912 में स्टेब्लिश हुआ था, 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना हुई।
तो गद्दर पार्टी से जुड़े हुए कौन कौन से लोग थे? तो मैंने बताया था आप लोगों को कि लाला हरदयाल जी थे, मैंने बताया कि भगवान सिंह थे, सोहन सिंह भाकना थे, मैडम भिकाजी कामा थी, और ये लोग ऑलरेडी श्याम जी कृष्ण वर्मा के इंडियन होम रूल सोसाइटी जो लंदन में 1905 में एस्टेब्लिश हुई थी उन सबका मेंबर रह चुके थे। तो इन लोगों को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था। तो आगे भी इन लोगों ने अपनी रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटी है ना वो जारी रखी ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में। अब थोड़ा सा इसको हम चलते हैं 1904-5 के अनुसार, ये जो माइग्रेट हुए ना जाकर के, कुछ लोग तो जाकर के वहां पे बस गए अपना, क्यों गए थे तो अपना जो है एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार की तलाश में गए थे, क्योंकि भारत में जो है उस समय क्या हो रहा था, भारत में लोग भुखमरी के शिकार थे और तो कहीं ना कहीं तो अपने जाएंगे खुद के स्टैंडर्ड जो है लिविंग के लिए। तो ये देखिए दोस्तों हुआ क्या कि यहां से जैसे ही वो लोग चले जाते हैं, जाने के बाद जो लोग वहां पे सेटल नहीं हो पाते हैं वो लोग, कुछ लोग जा करके जापान में कुछ लोग हांगकांग वगैरह सिंगापुर वगैरह जा करके बस जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, कुछ लोग जो है जो एशिया के हैं, मिडिल एशिया के हैं, वो लोग वो जाना चाहते थे कनाडा में, वो लोग कनाडा में जाना चाहते थे। क्यों जाना चाहते थे? रोजगार की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, ऑन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की तलाश में जाना चाहते थे। अब इसमें हुआ क्या कि जो सिंगापुर है ना, सिंगापुर में इंडियन सिख कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जो है गुरदत्त सिंह, किसी किसी किताब में इनका नाम गुरदीप सिंह भी दिया हुआ है, तो इसलिए ये बातें आप सब ध्यान रखना, गुरदत्त सिंह, कहीं कहीं गुरदीप सिंह भी दिया है इनका नाम, ये पंजाबी थे लेकिन ये सिंगापुर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये देखा कि से हम अपने इंडियन लोगों को जिसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है उन लोगों को लेकर के और कनाडा जाते हैं, और कनाडा में एक स्टैंडर्ड लिविंग जीने के लिए जो है ना वहां पे अपने रोजगार की तलाश के लिए इन लोगों को जा करके और वहां पे रोजगार दिलवाएंगे ताकि लोग सेटल हो पाए। तो गुरदत्त सिंह ने क्या किया दोस्तों कि गुरदत्त सिंह ने एक जापानी, ये जो जहाज है ना इसका शिपिंग एजेंट था जर्मनी का रहने वाला, जिसका नाम था मिस्टर बुने। तो मिस्टर बुने से जो है, जो जर्मनी का क्या है शिपिंग एजेंट है, यानी जो जहाज किराए पर देने वाला है, चार्टर्ड जो है किया जाता है, जिसे लिया जाता है, तो यहां से जो है मिस्टर बुने से यानी जर्मनी के जो मिस्टर बुने हैं शिपिंग एजेंट, उनसे गुरदत्त सिंह ने क्या किया कि चार्टर्ड किया इस जहाज को, यानी किराए पर लिया इस जहाज को, जिसका नाम क्या था, इस जहाज का, इस शिप का नाम था कोमागाटा मारू। तो इस बात को जरा ध्यान दीजिए कि कोमागाटा मारू जो ये सीप है एक प्रकार का, क्योंकि क्वेश्चन में ये आता है कि ये है क्या, तो आपको बताना है सीप है। और कहां से गुरदत्त सिंह ने लिया था, तो जर्मनी के मिस्टर बुने से लिया था। अलग अलग एक तो नाम से पूछ सकता है और ये पूछ सकता है कि मिस्टर बुने जो है वो किस देश के रहने वाले थे, या कहां के जो है शिपिंग एजेंट थे, जर्मनी के थे या ब्रिटेन के थे, अमेरिका के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, ऐसे करके। अब ये सिंगापुर में जा करके बसे हुए थे गुरदत्त सिंह, इन्होंने कहा कि ठीक है लेकर के जाएंगे। तो इन्होंने ये किराए पर लेकर के और 164 यानी 164 जो ट्रैवलर है, जो यात्री है, इन सबके साथ दोस्तों जो है 164 यात्रियों के साथ इन्होंने यात्रा अपनी हांगकांग से शुरू की। और 164 यात्री हांगकांग से रहे थे। अब ऐसे हांगकांग होते हुए फिर ये पहुंचे जो है संघाई। तो संघाई में रहने वाले जो इंडियन लोग थे जिनको रोजगार की तलाश थी, वो लोग कुछ और भी यहां पे बढ़ गए। फिर संघाई से होते हुए जो है जापान के योकोहामा ये जहाज पहुंची, और वहां पहुंचते फाइनली जो है वो 376 ट्रेवलर हो गए, यानी यात्रियों की संख्या बढ़कर के 376 हो गए। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी ये पूछ देता है कि आखिर जो ये यात्रा शुरू की गई थी जहाज से लेकर के कनाडा पहुंचाने
के लिए कि भारतीय लोगों को ले जाकर के वहां पे रोजगार दिलाया जा सके, हम लोग रोजगार कर सके, रोजगार की तलाश में। और इसका नेतृत्व लीडरशिप कौन कर रहे थे? गुरदत्त सिंह कर रहे थे। तो ये जो है ये कहां से प्रारंभ की गई ये पूछा जा सकता है। तो इसमें हांगकांग का नाम आएगा, या इनमें से कौन सा ऐसा जगह है जहां पे ये कोमागाटा मारू जहाज नहीं पहुंची थी, और ये तीनों नाम उसमें दे सकता है, हांगकांग का, संघाई का, योकोहामा का। तो तीनों नाम याद रखना है कि कहां कहां ये रुकी थी और कहां कहां से लिया था यात्रियों को, और कितने यात्रियों से शुरुआत में, या हांगकांग से कुल कितने यात्री जो है शुरुआत में लिए गए थे। तो यात्रियों की संख्या थी 164, जो जा करके कितना हो गई 376, यानी कोमागाटा मारू में फाइनली जो है टोटल यात्रियों की संख्या कितनी है तो 376 है। तो यहाँ नंबर से जो है ना दो बनाया जा सकता है प्रश्न, एक तो कि हांगकांग से शुरुआती समय में कोमागाटा मारू में कुल कितने यात्री थे, ट्रैवलर कितने थे, 164 आपका आंसर होना चाहिए। और फिर जा करके ये भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि योकोहामा यानी जापान के योकोहामा पहुंचते पहुंचते टोटल जो है कोमागाटा मारू में कितने यात्री हो गए थे, ध्यान में रखना है 376। अब सवाल उठता है कि इसकी शुरुआत हांगकांग से हुई है, कब हुई है इसकी शुरुआत, तो ये भी डेट याद रखना है दोस्तों, 4 अप्रैल 1914 को, 1914 को ये जो है योकोहामा से शुरू होकर के, और ये सॉरी हांगकांग से होते हुए संघाई, संघाई के बाद योकोहामा, और पहुंचना कहां है कनाडा में, और कनाडा किस कोस्ट पे पड़ता है, किस तट पे, तो बैकवर्ड तट पे। अच्छा तट आप लोग समझते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तट का मतलब है कि ऐसा जो है कोस्ट जहां से अब सीप जो है रुकेगी, और रुकने के बाद ऊपर जब चढ़ा जाएगा लैंड पे ना, तो अगला को जो शहर आएगा उस शहर के नाम पे ये रखा गया है वैंकूवर। तो वैंकूवर जो है तट पे, वैंकूवर कोस्ट पे जो है ये पहुंचना था, वैंकूवर पहुंच गए, वहां से जो है ऊपर जाकर के अब क्या कीजिएगा, लैंड पे जाकर के कनाडा में आप पहुंच गए वैंकूवर शहर से। तो मैंने क्या कहा कि हांगकांग से लेकर के और वैंकूवर तक की यात्रा करनी थी। अब ये हांगकांग कहां से यात्रा शुरू हुआ है, हांगकांग से कोमागाटा मारू जहाज पे, कितने तारीख को हुआ है, 4 अप्रैल 1914 को हुआ है, और कहां तक, कब ये पहुंची, तो याद रखना है ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 मई 1914 को ये वैंकूवर तो तट पे पहुंच गई। जैसे ही वहां पे पहुंची ना दोस्तों, क्या हुआ कि चूंकि ब्रिटिश सरकार वर्ल्ड का सबसे पावरफुल और रिचेस्ट कंट्री उस समय था, उन्होंने मना कर दिया कनाडा गवर्नमेंट को। तो ये तो बात थी, कुछ कनाडा की अपनी पर्सनल भी बातें थी, उन्होंने सुना था कि से नहीं जो है, आप लोग को मैंने बताया था कि अमेरिका गद्दर पार्टी में क्या किया था, कि अमेरिका ब्रिटेन के बिहाफ पे जो है जर्मनी और टर्की के खिलाफ जो है वो शामिल हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, पहले विश्व युद्ध में। और आप लोग को मैं बता रहा हूं कि गद्दर पार्टी, आगे जाकर के आप लोग देख रहे हो कि गद्दर पार्टी को भी अमेरिका वालों ने क्या कर दिया, ब्रिटेन के कहने पे जो है ना गद्दर पार्टी को इलीगल अनाउंस कर दिया था। तो मैं यहाँ पे ये आप सबको बताना चाहता हूँ कि 23 मई 1914 को जैसे ही वैंकूवर तट पे पहुंचती है, कनाडा क्या करती है कि कनाडा गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया था, वहां की गवर्नमेंट ने, कि भारत के लोगों को जो भारत से सीधे आए हो कनाडा, उनको तो प्रवेश दिया जाएगा, उनको एंटर किया जाएगा, लेकिन जो इधर उधर से आए हैं, किसी दूसरे देश से आए हैं, वो भले भारतीय है लेकिन उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ये शक था कि ये जो है रेवोल्यूशनरीज हो सकते हैं, क्रांतिकारी हो सकते हैं, और जिसे अमेरिका वालों ने एक आतंकवादी की तरह अनाउंस कर दिया है, एक टेररिस्ट की तरह मान लिया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि 23 मई 1914 को जैसे ही पहुंची, कनाडा गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार जो है वहां की कनाडा की पुलिस ने जो है इसको वैंकूवर तट के जो है वहीं पे रोक दिया, किसे नहीं आप कनाडा में प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो इस पे रोकने के बाद वैंकूवर तट पे पहुंचती है, रोक दिया जाता है, और रोकने के बाद जो है दोस्तों इसमें उपस्थित लोग जो कोमागाटा मारू में लीडर थे, उन लीडरों का कुछ नाम हम याद कर लेते हैं, और क्योंकि लीडर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ताकि आपको ये बात पता चल सके कि रोकने के बाद उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने क्या एक्शन लिया इसमें जो उपस्थित लोग थे। तो एक तो पहले नाम याद रखिएगा, भगवान सिंह, ये वो है भगवान सिंह, मेंबर
ऑलरेडी जो है ये गद्दर पार्टी से रिलेटेड भी रहे हैं जो इसमें उपस्थित थे। दूसरे नंबर पे बरकतुल्ला, इन्हीं लोगों ने जो है जहाज में बैठे बरकतुल्ला जहाज में बैठे जो है 376 यात्रियों को काफी मोटिवेट करने का काम किया था। और इन दोनों लोगों ने, इसके अलावा कुछ और नाम याद रखते हैं, हुसैन रहीम, उसके बाद दोस्तों याद रखना इसका नाम सोहन लाल पाठक, और बलवंत सिंह। और हेड कौन कर रहा है इनके अलावा, गुरदत्त सिंह। ये छह लोगों का नाम आप सब याद रखना, जिसमें मेन ये भी है। अब ये मैं क्यों बता दिया, क्योंकि लीडर का नाम पूछा जा सकता है कि इनमें कौन उपस्थित थे इस कोमागाटा मारू पे या कौन नहीं थे, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये छह लोगों का नाम आपको याद रखना है। इसमें स्पीच देकर मोटिवेट करने वालों में कौन थे, भगवान सिंह और बरकतुल्ला। और इस जहाज को किराए पे किसने लिया था, हेड कौन कर रहे थे, लीड कौन कर रहे थे, गुरदत्त सिंह। तो ये जो छह मेंबर्स है ना, प्रोमिनेंट मेंबर, इनको याद रखना है कि इसमें थे। अब ये इसमें से ये जो तीन नाम मैंने लिखा है, हुसैन रहीम का, सोहन लाल पाठक का और बलवंत सिंह का, जैसे ही वैंकूवर तट पे इनको रोका गया कनाडा की पुलिस प्रशासन के द्वारा, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा, तो इन्होंने क्या किया कि इन लोगों ने एक जो है तटीय समिति, कोस्टल कमेटी कहा जाता है, जिसे सोर कमेटी के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं किताबों में दे देता है कि सोर कमेटी बना ली। और सोर कमेटी क्या था, यही 376 यानी 376 मेंबरों को कहा गया जो ग्रुप में उपस्थित थे कि भैया ये हमारी है और हम क्या करेंगे कि आपकी गवर्नमेंट ने रोका है, जबकि वहां पे आपकी सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है कि लोगों को आने दिया जाए जो आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय जो है एक अपना जजमेंट पास किया और उसमें बोला कि देखो हम जो है ना, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेंगे तो 24 लोगों को प्रवेश दिया जाएगा, इसके अलावा जो है हम प्रवेश नहीं दे सकते। कनाडा की गवर्नमेंट ने रोक लगा रखा था और कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना एक स्टेटमेंट दिया उन दिनों कि जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, जो डायरेक्ट भारत से नहीं आए हैं लेकिन वो भारतीय हैं, दूसरे देशों से आए हैं, तो हम अपनी पुलिस प्रशासन के जरिए चेक करवा करके और 24 लोगों को देश में अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। और यही बात थी ना कि जैसे जजमेंट पास किया गया था, गुरदत्त सिंह काफी मोटिवेट हुए थे और लेकर के चल दिए थे। उनको ये पता नहीं था कि 24 लोग, उनको ये तो पता था कि 24 लोग वो को ही प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन ये पता नहीं था कि हमारे यात्री जो है वो बढ़ करके 376 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चले गए थे लोग। 164 से तो हांगकांग से ही शुरू हुआ था और योकोहामा जो जापान वाला पड़ता है वहां पे पहुंचते पहुंचते 376 हो गए। तो दोस्तों हुआ क्या कि यहाँ पे ये तीनों लोगों ने मिल करके एक सोर कमेटी बनाया और इन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग आपस में 376 मेंबर जो है चंदा जुगाड़ करके, और गद्दर पार्टी के भी इसमें से कुछ लोग है, जैसे भगवान सिंह है इसमें और बरकतुल्ला है, तो इन लोगों ने भी कहा कि हम गद्दर पार्टी जो है हमारी जो अमेरिका में है उन लोगों से भी हम सहायता मांगेंगे पैसे रुपए का, कि भाई वो डोनेशन दे हमें और हम कनाडा गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो केस लड़ेंगे लीगल, कि भाई हमें प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा है, हमें प्रवेश दिया जाना चाहिए, एंटर किए जाना चाहिए, हमारा भी जो है ये हक बनता है कि हम जैसे हमारे देश में लोग जा करके आज काम करते हैं, हम भी जो है दूसरे देश के या जा करके वहां पे हम अपना काम कर सके। तो लीगल जो है ना फाइट करने के लिए कनाडा गवर्नमेंट से इन लोगों ने तटीय कमेटी यानी सोर कमेटी जिन्हें कहा जाता है वो बनाया। और किसने बनाया, हुसैन रहीम ने, सोहन लाल पाठक ने और बलवंत सिंह ने मिल करके। और इन लोगों को सपोर्ट किसने किया, किस पार्टी ने, तो आगे जा करके
जो गद्दर पार्टी है उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि गद्दर पार्टी के भगवान सिंह और बरकतुल्ला खुद ही इसमें मेंबर रहे हैं। अब दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि ये तटीय कमेटी कब बनाई गई थी, ये क्वेश्चन किया जा सकता है 1913 में, 1914 में, 1915 में, 1916 में। आपका आंसर क्या होगा? 1914 में। क्यों? क्योंकि 1914 में ही वैंकूवर, और ये कहां पे तटीय कमेटी बनाई गई थी, तो वैंकूवर में। वैंकूवर कहां पे पड़ता है भाई? कनाडा में। और कनाडा में ये जहाज पहुंची कब थी? तो ये याद रखना है 23 मई 1914 को, जरा इस बात को ध्यान में रखना। और यही से 1914 में ही हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होगा जो 1918 तक चलेगा। अब देखो कि यहां पे नहीं दिया गया, इन लोगों ने लीगल फाइट किया। इसमें 24 यात्रियों को कनाडा की गवर्नमेंट ने दे दिया, तो 24 को माइनस कर दोगे 376 में, तो कितना बचेगा? 352, यानी 352 जो है ट्रेवलर्स को यहाँ पे एंटर कराया गया, यहाँ पे यात्रियों को प्रवेश दिया गया। और बाद बाकी जो 352 है, 24 को प्रवेश कराया गया और 352 जो है उन लोगों को कहा गया कि भैया जहां से आए हो आप चले जाओ, आप सिंगापुर चले जाओ, आप जापान चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां से चूंकि अब ब्रिटेन के कहने पे सिंगापुर और जो है और देशों को ब्रिटेन ने कह दिया कि नहीं, इन यात्रियों को ना आने दिया जाए, और जहाज को ब्रिटेन की पुलिस ने यह आदेश दिया कि से वहीं से कलकत्ता में जो बजबज है वहां पे, वो भी एक कोस्टल एरिया है, शहर का नाम है, वहां पे जो है इसको भेज दिया जाए। तो अब क्या हुआ कि ये जो जहाज है कोमागाटा मारू वाली, ये जहाज जो है क्या होती है, जब यहाँ प्रवेश नहीं दिया जाता है, मात्र 24 लोग तो प्रवेश पा गए लेकिन 352 लोग, और ये 24 लोग जो है पुलिस प्रशासन ने अच्छे से चेक किया कि ये कहीं रेवोल्यूशनरी तो नहीं है, गद्दर पार्टी से तो नहीं जुड़े हैं या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से तो नहीं जुड़े हैं, तब जाकर के दिया। और बाद बाकी 352 लोगों को जो है भेज दिया। तो अब यहाँ कोमागाटा मारू जो है ना, ये जहाज कहां से चल दी? वैंकूवर से चली, और चल करके अब कहां पे पहुंच गई? बजबज। और बजबज क्या है? जैसे वैंकूवर जो है एक कोस्टल एरिया है, तटीय जो है क्षेत्र है, ठीक उसी तरह से बजबज कलकत्ता में पड़ता है, और ये भी क्या है? एक तटीय क्षेत्र है दोस्तों। तो बजबज ये पहुंची, और जब बजबज पहुंची तो यहाँ ब्रिटिश पुलिस ने क्या किया कि इन यात्रियों के साथ जो है वो बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया। सबको उन्होंने कहा कि भाई ट्रेन तैयार है, तुम लोगों को सारे लोग पंजाब से जाओ। अब ये क्यों कहा? क्योंकि इस यात्री में आप देखोगे ना कि जितने ट्रैवलर थे उसमें 90% जो है ना वो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे लोग, 90% लोग। और जो 10% है ना, यानी आपको बता दे लगभग 25 जो है इसमें मुस्लिम थे, और बाद बाकी जो है सिख कम्युनिटी के लोग थे मुस्लिम। कभी कभी ये भी ध्यान में रखना, पूछ लिया जाता है कि कोमागाटा मारू में कुल कितने मुस्लिम थे, मुस्लिम सदस्य थे 25%। अब ये मैं बता रहा हूं कि बाद बाकी सारे के सारे जो हैं वो सिख कम्युनिटी के थे। अब सिख लोग थे, पंजाबी लोग, अब उन लोगों को भाई गुस्सा आया इस बात को लेकर के कि ये जो है हमारे देश में ही कलकत्ता में ही जो है हमसे ही हाथापाई कर रहे हैं भाई, ये तो गलत बात है ना। तो इन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों के साथ जो है ब्रिटिश पुलिस में और इन लोगों में, यानी कोमागाटा मारू का ये जो 352 मेंबर्स आए हैं, इन लोगों के बीच थोड़ा सा क्लैश हो गया, यानी झगड़ा हो गया, झड़प हो गया। और इस झड़प में ना बजबज आने के बाद दोस्तों मैं बता रहा हूं आप सबको कि 18 जो है यात्रियों की, यानी 18 ट्रेवलर्स की जो है वो क्या हो गई? मौत हो गई, डेथ हो गई। और बाद बाकी 202 लोगों को जो है ना क्या कर दिया गया, ब्रिटिश सरकार ने जेल में पकड़ करके बंद कर दिया। तो 202 और प्लस 18 इक्वल टू कितना हो गया? 220, और कितना मैंने बताया? 352। और बाद बाकी जो बचे लोग है ना वो भाग करके इधर उधर चले गए, जिसमें एक गुरदत्त सिंह भी जो है भाग करके कई दिनों तक जो है वो देश में छुपे रहे, पंजाब में छुपे रहे। और 1922 के टाइम पे दोस्तों गांधी जी से ये बहुत प्रभावित हुए, और गांधी जी ने इनको कहा कि नहीं आप क्या करो, ब्रिटिश पुलिस के हवाले कर दो अपने आप को। तो ऐसे में क्योंकि ब्रिटिश पुलिस इनको खोज रही थी, तो ब्रिटिश पुलिस के हवाले जो है गांधी जी के कहने पे गुरदत्त सिंह ने अपने आप को उनके ब्रिटिश पुलिस के हवाले कर दिया। और 1922 से लेकर के 27 तक, यानी 1922 से लेकर के 27 तक जो है दोस्तों ये जेल में रहे।
तो प्रश्न बना दिया जाता है कि गुरदत्त सिंह जो है उनको अरेस्ट ब्रिटिश पुलिस के द्वारा कब किया गया, 1922 में, कितने साल के लिए किया गया यदि पूछ दे तो 5 साल के लिए। और ये जो गुरदत्त सिंह थे या गुरदेव सिंह जिसे कहा जाता है, दो नाम दिया है किताबों में, तो ये जरा ध्यान में रखना कि ये कब जो है पहली बार गिरफ्तार हुआ, 1922 में 5 साल के लिए, और किसके कहने पे जो है इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी, गांधी के कहने पे, पटेल के कहने पे, सुभाष चंद्र बोस के कहने पे, या ऐसे तेज बहादुर सप्रू के कहने पे। तो याद रखना है कि गुरदत्त सिंह जो है वो गांधी के कहने पे अपने आप को अरेस्ट करवाए थे। अब मैं बता रहा हूं ये जितने भी 18 यात्री मरे ना दोस्तों, इसमें बजबज में एक बहुत अच्छा काम हुआ है। 1952 में जो है जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, तो बजबज मेमोरियल की स्थापना इन शहीदों की याद में जो है ना, बजबज मेमोरियल की स्थापना भारत सरकार ने किया इन शहीदों की याद में। तो अब प्रश्न पूछ देता है कि आजादी के बाद जो है कोमागाटा मारू से रिलेटेड कहां पे, निम्न में से या किस शहर में जो है वो भारत सरकार ने शहीदों की याद में बजबज मेमोरियल बनाया। वो बजबज कहां पे पड़ता है याद रखना, कलकत्ता में। और कब बजबज मेमोरियल की स्थापना की गई भारत सरकार के द्वारा, तो 1952 में। तो ये रहा आपका जो है टॉपिक से रिलेटेड, वैसे तो बात बहुत है लेकिन मैंने उन सारी बातों को इसमें जो है आप सबको बता दिया जो आपके एग्जाम के लायक है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कोमागाटा मारू जो है वो घटना किससे संबंधित है। अब आसानी से आप दे सकते हो, सरदार अजीत सिंह, गुरदीप सिंह, वीडी सावरकर या सरदार भगत सिंह। आपको मैंने बताया था वीडी सावरकर के बारे में भी बताया था कि वीडी सावरकर अभिनव भारत से रिलेटेड थे और खुद जो है इंडिया होम रूल सोसाइटी जो वर्मा जी के द्वारा, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में स्थापित किया गया था लंदन में, उससे भी ये जुड़े हुए रहे हैं और देश के जो है एक इतिहासकार भी रहे हैं। और सरदार भगत सिंह के बारे में आप लोग जानते ही हो। अजीत सिंह पंजाब के रहने वाले थे, इनकी कोई भूमिका नहीं। और पंजाब के गुरदीप सिंह, अब भी मैंने क्या बताया कि जो कोमागाटा मारू घटना है वो कोमागाटा मारू जो है इवेंट्स इंसिडेंट्स ये है क्या, तो कनाडा में प्रवेश से संबंधित एक घटना है जिसे किसने, गुरदीप सिंह, और इसका किसी किसी नाम क्या लिखा है, गुरदत्त सिंह भी लिखा है, अभी मैंने बताया उसको। तो गुरदत्त सिंह ने जो है वो मिस्टर बू ने जर्मन शिपिंग एजेंट से ये जहाज लिया था जाने के लिए। अब आगे वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें बता दिए हैं हम, जाकर के पीछे देख लीजिए आप। कोमागाटा मारू क्या था, एक जहाज का, कैसा जहाज, जापानी जहाज, जो मिस्टर पुणे से गुरदत्त सिंह ने लिया था। क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इसके सारे डिटेल्स जो है इससे पहले मैंने बैकग्राउंड में बता दिया। अब आते हैं अगला टॉपिक पे, अगला टॉपिक है महात्मा गांधी से रिलेटेड। कह रहा है कि महात्मा गांधी के पदार्पण यानी भारत में जो ये आ रहे हैं महात्मा गांधी, उनसे पूर्व यानी उनसे पहले जो है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में किन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था, है ना, किसने ज्यादा जो है वो इफेक्ट डाला था। देखो गांधी जी भारत में आते कब है दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को, और इसी दिन अप्रवासी दिवस मनाया जाता है, इमिग्रांट्स डे। तो ये जरा ध्यान में रखना, 9 जनवरी 1915 को जब आते हैं ना गांधी जी, तो इससे पहले होते कहां हैं, तो साउथ अफ्रीका में। और आज साउथ अफ्रीका वाली यात्रा को भी हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं ये बता रहा हूं कि इनके आने से पहले किस किस युद्ध ने जो है कराया, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने वो प्रभावित किया था भारत में। तो याद रखना है 1898 का इटली और अबिसिनिया युद्ध ने, ये भी आंसर क्या है, सही है। अब अगला है चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, चीन में बॉक्सर आंदोलन हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है। आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने और रूस जापान के युद्ध ने, हमने आपको बताया था कि रूस और जापान वाला युद्ध जो है 1904-5 के दौरान जो लड़ा गया, तो ये ध्यान में रखना है कि 1904-5 के दौरान जो लड़ा गया था रूस और जापानीज वॉर, जिसमें जापान जैसे छोटा देश जो है ना, कम पावरफुल वाला देश, रूस जैसे बड़े देश को हरा दिया, और उसका कहीं ना कहीं भारत के युवाओं के मनोबल पे, भारत के युवाओं के आइडियोलॉजी पे एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा। भारत के युवाओं को पहली बार जो है ये एहसास होने लगा, फील होने लगा कि हम जो है जापान की तरह जो है वो जैसे हराया इतने बड़े देश को, रूस
जैसे बड़े देश को, क्यों हराया? क्योंकि उनमें यूनिटी थी। वैसे ही यदि हम लोग यूनाइट हो जाए ना पूरे इंडियंस, तो आसानी से जो है ब्रिटिशर्स जो है को हराया जा सकता है, डिफीट किया जा सकता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, चारों जो है आंदोलन ने भारत में प्रभावित किया था, इफेक्ट डाला था। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे थोड़ा सा। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया, उस पत्रिका का नाम क्या था, उस मैगजीन का नाम क्या था? ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी पब्लिश्ड जी मैगजीन, इट्स नेम वाज, इस मैगजीन का नाम क्या था दोस्तों? तो मैं बता रहा हूं आपको कि ये तो हम बता देंगे अभी कि इंडियन ओपिनियन उस मैगजीन का नाम था जो साउथ अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था, गांधी जी के द्वारा जो है वो प्रकाशित किया गया था। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो आगे मैंने दिया है, क्वेश्चन में डाला है, और आप लोग खुद ही सॉल्व कीजिएगा। सिर्फ बस एक है कि हम जो अब अगला इस टॉपिक पे जो साउथ अफ्रीका की गांधी की यात्रा जो प्रारंभ करने जा रहे हैं ना, उसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। तो चलिए आते हैं इसको, थोड़ा सा इस टॉपिक को पढ़ लिया जाए अच्छे से। देखिए दोस्तों, ये है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका गांधी की यात्रा, ये एक टॉपिक हो गया। अब थोड़ा सा गांधी जी पे हम विचार कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन तो इसमें से आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएगा, और कुछ आप क्या कीजिए कि स्लाइड को आगे पीछे करके अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। दक्षिण अफ्रीका वाली जो बात है, सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में गांधी की जाने की शुरुआत से पहले उनके थोड़ा बैकग्राउंड पे हम चलते हैं, जहां से प्रश्न बनाया जा सकता है। पहली बात है, 2 अक्टूबर इनका क्या है, जन्म दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ध्यान में रखना, गांधी जी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को, आप सभी को पता है इतना। लेकिन ये भी इसके साथ याद रखिए, उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था पोरबंदर में, और रहने वाले थे वो गुजरात के, और कब हुआ था तो 1869 में। बहुत सारी इसमें बात तो आप जानते हैं कि वो गुजरात के पोरबंदर के रहने वाले थे, वो सब मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बता दे रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी ये सब आप सभी लोग जानते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात। अच्छा, ये तो हुआ जन्म से रिलेटेड, ये बर्थ से रिलेटेड बातें रही। अब इसके बाद हम क्या कहेंगे, इसके बाद देखते हैं कि इनकी पढ़ाई लिखाई जो है वो गुजरात से ही हुई, लेकिन हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए ये इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और वो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं लॉ की पढ़ाई करने के लिए। क्या भारत की तरफ से लॉ की पढ़ाई करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सिर्फ यही स्टूडेंट थे भारत के? नहीं, लॉ की पढ़ाई इसके बाद भी लोगों ने की। जैसे मैं कहूं कि मोतीलाल नेहरू ने जो है वहां से की, मोहम्मद अली जीना ने जो है लॉ की पढ़ाई की वहां से, रहमत अली चौधरी ने की, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लॉ की पढ़ाई करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि दुनिया के फेमस यूनिवर्सिटी में एक माना जाता रहा है इसको, तो लॉ की पढ़ाई करने के लिए, कानून की पढ़ाई करने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए, वकील बनने के लिए ये चले गए 1891 में। कहां पे जाते हैं? इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दोस्तों, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, और 1891 में जाते हैं, और 1893 तक इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, और जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो फिर अपने होम टाउन गुजरात में ये आ जाते हैं। जिस समय गुजरात में आते हैं, कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है हर लोगों के साथ, तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, पढ़ाई करके पूरी आ गए, आने के बाद जैसे ही अभी आए, आने के बाद अपने घर में जो है सबसे अपने समाज में अभी मिल ही रहे हैं, तब तक क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका में यानी दक्षिण अफ्रीका में एक गुजराती ट्रेडर रहता था जिसका नाम था अब्दुल्ला सेठ। ये कहां पे रहता था? साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाला कहां का था? ये गुजराती था, गुजरात का रहने वाला था। अब हुआ क्या कि अब्दुल्ला सेठ जो है, इसका प्रॉब्लम क्या था? देखो, साउथ अफ्रीका में भी जो है न केवल भारत पर ही बल्कि साउथ अफ्रीका पर भी कब्जा जमा रखा था किसने? अंग्रेजों ने।
और अंग्रेजों का कब्जा था वहां। अंग्रेज अपने आप को क्या कहते थे कि भैया हम क्या है, वाइट है, वाइट मतलब गोरे है। और ये जो साउथ अफ्रीकन और इंडियन लोग है ना, साउथ अफ्रीकन प्लस इंडियन लोग, इन लोगों को कहते थे वो लोग कि ये लोग ब्लैक है यानी काले है, यानी नस्ल के आधार पे जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, जो अपने आप को गोरे कहते थे। यानी ब्लैक एंड व्हाइट डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी जो है ना वो लागू की गई थी दक्षिण अफ्रीका में। तो ब्लैक में कौन कौन से लोग आ गए? तो साउथ अफ्रीका और इंडियन वाले को वो बोलते थे कि ब्लैक है। अब इन लोगों को प्रॉब्लम क्या होता था कि मान लो कहीं नदी में नहाने के लिए जा रहे हैं, वहां पे दिक्कत हो रहा है, उनको जो है मारा जाता था, पीटा जाता था, उनको जेल में भेजा जाता था, उनको सजाएं दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, कहीं पब्लिक प्लेस पे, कहीं जो है ट्रांसपोर्ट में भी दिक्कत होती थी, बस से कोई आ रहा है जा रहा है, ट्रेन से आ रहा है जा रहा है, टिकट लाइन में, हर जगह प्रॉब्लम होती थी। यहां तक कि भारत के लोगों को ना वहां के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने या अपना नेता बनाने, अपने लीडर बनने के लिए भी इजाजत नहीं थी, सरकारी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती थी, तो गवर्नमेंट फैसिलिटी भी नहीं मिल पाती थी। तो बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स वहां पे था। हद तो हो गया कि जो ये गुजराती व्यापारी था ना, ये गुजराती व्यापारी है, ट्रेडर है दोस्तों, और ये कहां पे अपनी कंपनी खोल रखा है? तो अपनी ये कंपनी खोल रखा है साउथ अफ्रीका में, और वहीं साउथ अफ्रीका में अब्दुल्ला सेठ क्या अपनी कंपनी को चला रहा था। तो इसकी कंपनी से जो इन लोग टैक्स लेते थे ना अंग्रेज लोग, वो ज्यादा लेने लगे, इतना ज्यादा लेने लगे कि अब्दुल्ला सेठ ने कहा कि नहीं, अब तो हद हो गई। आखिर मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट है, तो अभी क्या है नियम कि यदि इंडियन कोई कंपनी है तो 30% टैक्स दे मैक्सिमम, और बाद बाकी 70% रख ले। यदि कोई फॉरेनर कंपनी है जैसे अमेरिका की है, चाइना की है, ब्रिटेन की है, वो आकर के हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी कंपनी खोलते हैं, तो वो लोग 40% टैक्स देंगे। यानी मान लीजिए एक कलम यदि 100 रुपए का है और विदेशी कंपनी है हमारे देश में बनाए, तो 40 रुपए इंडियन गवर्नमेंट को पेमेंट करेगी, 60 रुपए जो है अपने पास रखेगी, और यदि इंडियन है तो 70% देगी, 70% अपने पास रखेगी, 30% जो है इंडियन गवर्नमेंट को दे देगी टैक्स। तो ये मैं बता रहा हूं दोस्तों कि इसी तरह से टैक्स लेना तो ठीक है, लेकिन कल जाकर के मान लीजिए 30% की बजाय जो है बढ़ा करके इसे 50% कर दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऑटोमेटिक जो है कंपनी को कुछ खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके हर तरह का, उसको लेबर कॉस्टिंग निकालना है और सारी चीजें कॉस्टिंग होती है उसको निकालना है। तो अब्दुल्ला सेठ यहां पे करता क्या है कि अब्दुल्ला सेठ को लगता है कि नहीं ये तो गलत हमारे साथ हो रहा है। तो अब्दुल्ला सेठ ने क्या किया दोस्तों, अब्दुल्ला सेठ ने तुरंत जो है कंप्लेन कर दिया वहां पे साउथ अफ्रीका में। प्रिटोरिया एक जो है काफी फेमस सिटी रही है और वहीं पे वहां की कोर्ट थी साउथ अफ्रीका की, तो उसी में जो है इसने क्या किया, उसमें अब्दुल्ला सेठ ने अंग्रेजों के अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया। और फिर वो एक अच्छे जो है वकील की तलाश में थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके, तो चूंकि गुजरात का था इसलिए 1893 में यानी 1893 में ही जो है ये भी क्या होता है, ये भी गुजरात आता है, और इधर गांधी भी पढ़ करके क्या होता है गुजरात से आते हैं। यानी गांधी और अब्दुल्ला की जो मीटिंग है वो 1893 में 1893 में दोस्तों गुजरात में हो जाता है मीटिंग। अब पहले तो गांधी तैयार नहीं होते, पहले इनकी भाई से बात होती है अब्दुल्ला सेठ की, वो भी कहते कि नहीं अभी आया है, अभी केस वगैरह नहीं लड़ेगा, लेकिन फिर भी जो है अब्दुल्ला सेठ कहता है कि देखिए ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है। तो गांधी भी ये देखते हैं, गांधी से जब बातचीत कराया जाता है तो गांधी भी देखते हैं कि भाई चलो, उन्होंने कहा कि जितना आपको पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मेरी केस लड़िए, क्योंकि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, नवयुवक है, यूथ है आप, काफी पैसन है आप में। तो गांधी ने भी कहा कि चलो ठीक है, हमारी भी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी और थोड़ा देखता हूं। उन्होंने बोला कि ठीक है हम चलिए हम आते हैं। गांधी क्या है साउथ अफ्रीका की यात्रा करते हैं 1893 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहां से कि गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका कब गए, याद रखना है दोस्तों 1893 में। गांधी जी की साउथ अफ्रीका यात्रा कब होती है 1893 में। और गांधी जी सबको जाना कहां पे था, तो प्रिटोरिया कोर्ट में केस लड़ने के लिए। गांधी जी सबसे पहले कौन सी जगह पे पहुंचते हैं,
याद रखना साउथ अफ्रीका में ही जगह है जिसका नाम है डरबन। ये वही वाला डरबन है जहां उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। दोस्तों मैं बताऊंगा आगे कि टॉलस्टॉय आश्रम उनका जो है था वहां पे, तो टॉलस्टॉय फॉर्म था क्या और कब बनाया गया था। ये फिनिक्स आश्रम जो है, वो फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फॉर्म जो है कब बनाया गया, इन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। डरबन जो है वो पहुंच जाते हैं, और डरबन पहुंचने के बाद दोस्तों 1893 में डरबन से क्या करना होता है इनको, कहां जाना होता है, प्रिटोरिया। प्रिटोरिया क्या है, साउथ अफ्रीका का कोर्ट है, दक्षिण अफ्रीका का कोर्ट है, यहीं पे केस लड़ने के लिए जाना था। किसका केस, अब्दुल्ला सेठ का केस लड़ने के लिए जाना था। अब जरा देखिए डरबन से प्रिटोरिया इनको पहुंचना है, एक तो ऑप्शन है कि बस से, और वहां पे ट्रेन भी उस टाइम पे चल रही थी। जैसे भारत में कहा जाए 1853 से स्टार्ट कर दिया गया था ट्रेन, यहां से 1853 से लेकर के अंग्रेजों के जमाने में काम चलने लगा था लाहौर से कराची वाला, तो ठीक उसी तरह से डरबन से प्रिटोरिया तक की भी ट्रेन वहां पे अवेलेबल थी। अब डरबन में गांधी जी ने क्या किया ना दोस्तों, कि वहां पे चूंकि इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो भी पढ़े थे एडवोकेट की पढ़ाई, तो उन लोगों को एसी फर्स्ट क्लास की टिकट जो है अवेलेबल कराई जाती थी कि जहां जहां अंग्रेज का शासन है उस देश में आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एसी में बैठ करके आ जा सकते थे। तो गांधी जी के पास ऑलरेडी उनके पास था टिकट एसी फर्स्ट क्लास का, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा वहां इंग्लैंड के द्वारा जो है दिया गया था, वो जा सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, नए जगह पे आया हूं तो थोड़ा सा हम लोगों के साथ जनरल बोगी में चलते हैं और थोड़ा देखते हैं टिकट के साथ कि मतलब कैसा जो है यहाँ का क्या माहौल है, यहाँ का व्यवहार क्या है, यहाँ के लोग कैसे हैं। तो इसी चाहत ने गांधी जी को क्या किया, डरबन। तो डरबन वाले जो है इन्होंने क्या किया कि रात भर जो है ना रेलवे स्टेशन पे टिकट लेने के क्रम में खड़े रह करके जब टिकट नहीं मिला ना, तो रात भर वहीं पे सोते रहे। और क्यों नहीं मिला, क्योंकि ब्लैक के कारण। मैंने अभी क्या बताया कि ब्लैक और व्हाइट डिस्क्रिमिनेशन वहां पे पॉलिसी लागू थी, यानी गोरे और काले में नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता था, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो रात भर उन्होंने सोया, सुबह उठे और चाय वगैरह पी करके और वो जो है चल दिए दोस्तों बस से। उन्होंने कहा कि ठीक है ट्रेन छूट गई, सुबह में हम जाएंगे, रात भर सोए और सुबह में उठ करके वो डरबन से प्रिटोरिया बस से चल दिए। और जैसे ही बस से चले, आगे जा करके बीच में ही आता है एक पीटर मॉरिस वर्ग, जगह का नाम है दोस्तों, यहां पे आए। एक्चुअल में बस से जब यात्रा कर रहे थे ना, तो बस से यात्रा के दौरान कंडक्टर वाली सीट पे जाकर के बैठ गए गांधी जी, चूंकि खाली नहीं था, और वहां से अंग्रेजों ने उठाया और चलती बस से गांधी को फेंक दिया बाहर। और वो कौन से जगह पे फेंका गया था, याद रखना है पीटर मारिट्सबर्ग जो है, जो डरबन तथा प्रिटोरिया के बीच में पड़ता है, जाने पे बस से फेंक दिया, चलती बस से। गांधी को काफी चोट आ गई दोस्तों। और मैं बताना चाहूंगा कि गांधी जी अपने जीवन में दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट संकल्प लिए हैं और उनको उन्होंने पूरा किया है। आज जब गांधी से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो क्योंकि वो पूछा जाता है। एक तो 1921 में विजयवाड़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपनी धोती कुर्ता जो है पहनना स्वीकार किया, कि लग्जरियस लाइफ जो है, जो सूट बूट में आज तक रहते थे, क्योंकि पेशे से वकील थे और काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम धोती कुर्ता पहन करके रहेंगे। क्यों, क्योंकि 1921 का जो विजयवाड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ, कांग्रेस पार्टी का जो विजयवाड़ा अधिवेशन हुआ ना दोस्तों, वहां पे उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको कहा जाता है बेसिक नीड्स थ्योरी। तो बेसिक नीड्स थ्योरी का मतलब क्या होता है, रोटी कपड़ा और मकान। और यही जो है इंदिरा गांधी के पीरियड में, अब एजुकेशन और हेल्थ भी जुड़ गया, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये पांच चीजें जो है ना, जो बेसिक नीड्स है, जो जनता, हर जनता की जरूरत है, उसको हम लोग बेसिक नीड्स थ्योरी कहा जाता है। तो बेसिक नीड्स थ्योरी गांधी जी ने कहा भाई रोटी कपड़ा मकान हर जनता को चाहिए, भारत की जनता को, और जब तक सबको अवेलेबल न करा दूं ना, तब तक गांधी लग्जरियस लाइफ का त्याग करता है। अब जरा आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े त्यागी पुरुष थे, आज के नेताओं में ऐसा त्याग नहीं मिलेगा। तो ये मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये जो
पीटर मारिसबर्ग है, यहां से जब फेंका गया ना तो पहली बार उन्होंने जो है वहां की मिट्टी को उठाया और वहीं पे संकल्प ले लिया कि आज तूने मेरे को जो है बस से फेंका है, यदि जब तक जो है मैं तुम्हें, तुम सभी अंग्रेजों को इस देश से बाहर ना निकाल फेंक दूं तब तक मैं भारत वापस नहीं जाऊंगा। तो एक संकल्प ये लिया और दूसरा जो है वो संकल्प 1921 के कांग्रेस पार्टी के विजयवाड़ा कॉन्फ्रेंस में लिया कि धोती कुर्ता हम पहन करके रह जाएंगे, धोती लपेट करके रह जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा विंस्टन चर्चिल जो है ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर 1939 में बना, प्रधानमंत्री बना, उससे पहले वो सांसद था। तो 1931 के टाइम पे जब सेकेंड गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था लंदन में, रैमजे मैकडोनाल्ड जो है वहां के प्रधानमंत्री ने बुलाया था, उसमें गांधी जी गए थे सेकेंड वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दोस्तों, तो वहां पे विंस्टन चर्चिल जो है कहता है गांधी को कि ये हाफ नग्न फकीर है, ये अर्ध नग्न फकीर है, इससे आसान नहीं है उलझना। तो अब ये मैं बता दूं कि उस समय से गांधी जो है धोती कुर्ते वाले एक धोती लपेट करके, आप लोगों ने पिक में भी देखा होगा, तो उन्होंने लग्जरी स्लेव सूट बूट का त्याग कर दिया था 1921 में। जरा ये याद रखना है, गांधी जी ने 1921 के कांग्रेस पार्टी के जो है ना विजयवाड़ा अधिवेशन हो रहा था और उसी में गांधी ने एक थ्योरी दी थी दोस्तों, ये ध्यान में रखना है, जिसको बोलते हैं बुनियादी जरूरतों को सिद्धांत, बुनियादी जरूरतों का सिद्धांत, और इंग्लिश में बोला जाता है बेसिक नीड्स थ्योरी, वाज गिवन बाय गांधी इन विजयवाड़ा कॉन्फ्रेंस 1921, जरूरतों का सिद्धांत। और इसमें तीन चीजें क्या आती है दोस्तों, याद रखना है, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। अब क्या क्या जुड़ गया है नया में, इंदिरा गांधी के टाइम से शिक्षा और स्वास्थ्य, भारत की हर जनता को जरूरत है, इसे भी बुनियादी जरूरत कहते हैं। तो अब ये आपको पता चल गया, एक तो यहाँ पे संकल्प लिया और एक पीटर मारिसबर्ग में उन्होंने संकल्प लिया कि भाई तुम्हें जब तक इस देश से बाहर न निकाल दूं तब तक गांधी नहीं जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने की जो है ना वो कसम खा ली थी, उसी तरह से जो है इन्होंने दो बार लिया और दोनों बार ही पूरा किया गांधी ने। अब मैं बता रहा हूं आप सबको कि यहां से फेंक दिया गया, ये फिर वहां पे गए अपना, कुछ दिनों के बाद इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में रखा जाता है और गांधी वहीं पे सोचते हैं, पूरा देखते हैं, समझते हैं साउथ अफ्रीका के को, और साउथ अफ्रीका और इंडियन लोगों को जो उन्होंने समस्याओं को जब देखा, महसूस किया वहां पे रह करके, तो रह करके देखने और महसूस करने के बाद उन्होंने देखा कि ये तो काफी नालायक और घटिया सरकार है, ब्रिटिश सरकार। उन्होंने यहां तक अपने किताब जो हिंद स्वराज 1909 में साउथ अफ्रीका में रह करके उन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने प्रोस्टिट्यूट यानी वेश्या की तरह ब्रिटिश सरकार को कहा कि ये तो वेश्या से भी खतरनाक है भाई, ये तो वेश्या की तरह है, ये कैसे कहते हैं लोग किसे, हम दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट कंट्री है, हम दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल कंट्री है, जबकि इन लोगों में ये भी इतनी भी सभ्यता नहीं है कि किसी देश के युवा या किसी देश की जनता के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए, इतना भी हद तक नहीं गिर जाना चाहिए कि वहां के लोगों को पॉवर्टी में, गरीबी में ढकेल दे। जन कल्याण करना तो बड़ी बात है इन लोगों के लिए, ये तो कर ही नहीं सकते, इन लोगों की औकात नहीं है। तो अब मैं बता रहा हूं कि यही चीजें जो है ना दोस्तों, ये जरा ध्यान में रखिए, गांधी ने संकल्प लिया और इसको पूरा किया पीटर मारिसबर्ग में। अब गांधी करते क्या है कि 1893 में गए, अब जब जेल से छूटते हैं तो 1894 में नटाल में, जब वहां लोगों की समस्याओं को समझ लेते हैं तो नटाल एक शहर का नाम है, नटाल इंडियन कांग्रेस एक पार्टी बनाते हैं, नटाल इंडियन कांग्रेस पार्टी बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो तय कर लिया था कि अब तो हम अंग्रेजों को जब तक साउथ अफ्रीका से खदेड़ नहीं देंगे तब तक जो है यहां से नहीं जाएंगे। और ठीक उसी तरह से आपने देखा होगा, जिसे हम छोटा गांधी के नाम से जानते हैं, नेल्सन मंडेला को कहा जाता है साउथ अफ्रीका में, वैसे ही संघर्ष करने वाले जैसे गांधी जी संघर्ष किए, स्ट्रगल किए उन लोगों से, वैसे ही वो भी जो है काफी लंबे समय तक संघर्ष किए। तो अब मैं बता रहा हूं कि 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस पार्टी की उन्होंने स्थापना की, और स्थापना करके गांधी में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था ना कि उनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी थी,
उनका कम्युनिकेशन स्किल इतना स्ट्रॉन्ग था दोस्तों कि जनता को काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता था। कारण यह था कि जो बाहर से थे ना वही वो अंदर से थे, यानी लोगों को ऐसा नहीं था कि नहीं वो बोलने के लिए कुछ और है, करने के लिए कुछ और। उनका चरित्र इतना अच्छा था गांधी का कि वो लोगों को प्रभावित करते थे और उनकी बात सुनने के लिए जो है ना बहुत भीड़ जुटती थी उस समय। अब यहां वहां पे क्या क्या कि इंडियन लोगों को और साउथ अफ्रीकन लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया गांधी ने, और इकट्ठा करके दोस्तों नटाल इंडियन कांग्रेस पार्टी बनाई, और पार्टी बना करके 1894 में पार्टी बनाई। आप लोगों को इससे रिलेटेड और भी बातें बता दे कि पार्टी बनाने के बाद जो है संघर्ष को छेड़ दिया, ऐलान कर दिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और 1896 में पहला सत्याग्रह, जो दुनिया का पहला सत्याग्रह चलाया गया वो गांधी के द्वारा किया। मैं दुनिया का कह रहा हूं दोस्तों, सत्याग्रह जो है कैसे किया जाता है ये किसने सिखाया, ये गांधी ने सिखाया। दुनिया का पहला सत्याग्रह एक पावरफुल कंट्री के खिलाफ, जो उस समय का सबसे पावरफुल और रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था इंग्लैंड, उनके खिलाफ गांधी ने पहला सत्याग्रह का बिगुल फूका 1896 में, जरा याद रखना। और कहां पे, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां से शुरू किया था, आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका से। और कब शुरू किया था यदि ये पूछ दे तो 1896 याद रखना है। अब उसके बाद क्या होता है कि पहला सत्याग्रह ये भी समझ, गांधी जो है काफी संघर्ष करते रहे। और आप देखोगे कि 1904 में जो है आकर के उन्होंने एक आश्रम बनाया, जैसे भारत में भी साबरमती आश्रम जिसे सत्याग्रह आश्रम के नाम से जानते हैं, साबरमती आश्रम भारत में जो इनकी थी, सदाकत आश्रम था, वर्धा आश्रम था, साबरमती पहला आश्रम जो 1917 में स्थापित किया इन्होंने अहमदाबाद में, साबरमती नदी का नाम है, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है दोस्तों, और वहां नदी के किनारे जो इन्होंने आश्रम बनाई साबरमती आश्रम, सत्याग्रह जो है आश्रम के नाम से जाना जाता है, संन्यास गृह आश्रम के नाम से। तो 1904 में जो है ना वहां पे भी एक आश्रम बनाया था जिसका नाम था फिनिक्स आश्रम। गांधी जी फिनिक्स आश्रम के फाउंडर थे, ये ध्यान में रखना। तो ये जरा ध्यान में रखना कहाँ पे, ये साउथ अफ्रीका में टोटल काम हो रहा है। प्रश्न पूछा जा सकता है फिनिक्स आश्रम गांधी जी का एक तो सबसे पुराना सबसे पहला आश्रम था जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने बनाया था, और कब बनाया था, 1904 में जो है इसकी स्थापना किया था फिनिक्स आश्रम की। और इसके बाद गांधी के दो गुरु हुए, एक पॉलिटिकल गुरु जो भारत में थे, लिबरल लीडर थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी, इसके बारे में मैं पीछे भी चर्चा कर चुका हूं। और एक जो है ना इनके दार्शनिक गुरु हुए हैं, फिलोसफिकल गुरु, ये भी याद रखना है। उन दार्शनिक गुरु का नाम है दोस्तों टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय। तो टॉलस्टॉय के नाम पे टॉलस्टॉय फॉर्म की इन्होंने स्थापना की 1906 में, जरा ये बातें ध्यान में रखना है। 1906 में जो है इन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। और ये फिनिक्स आश्रम भी जरा याद रखना है, डरबन में ही जो है इन्होंने अपना आश्रम बनाया, जहां से वो चले थे और जहां रात भर सोना पड़ा था उनको रेलवे स्टेशन पे। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि यहां तक आते आते ना अंग्रेजों को से साउथ अफ्रीका में लोगों को इलेक्शन फाइट करने के, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के, वहां पे जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट जिसके थ्रू भारत के लोगों को हमेशा पंजीकरण करवा करके पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड रखना पड़ता था, यदि आपसे गुम हो गया आइडेंटिटी कार्ड तो जेल भेज दिया जाता था, इंडियन लोग हो या साउथ अफ्रीकन लोग हो अंग्रेजों के द्वारा, तो ये जो गलत व्यवहार किया जाता था तो वो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का भी उन्होंने विरोध किया। और न केवल विरोध किया बल्कि इन सभी चीजों को 1906 आते आते ना खत्म हो करना पड़ा अंग्रेजों को। और अंग्रेज यहां से जाएंगे आगे 1909 में, जरा याद रखना है 1909 में उन्होंने वहां पे रहते हुए एक किताब लिखा था साउथ अफ्रीका में जिसका नाम है हिंद स्वराज, और इसमें जम करके जो है आलोचना किया ब्रिटिश सरकार का। इसी किताब में जो है ना प्रोस्टिट्यूट यानी वेश्या से तुलना किया ब्रिटिश सरकार के, उन्होंने कहा कि ये तो वेश्या जैसी सरकार है, इन सरकार का प्रोस्टिट्यूट मतलब एक ये एक तरह से इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जनता के साथ किस तरह से बिहेव किया जाना चाहिए, तो ये जो है उन्होंने किया। और एक बातें जरा ध्यान में रखना 1909 के बाद भारत में यही 9 जनवरी 1915 को जब वहां से साउथ अफ्रीका को मुक्त करा देते हैं अंग्रेजों से, तब ये भारत में जो है आते हैं 9 जनवरी 1915 को, जिसे इमिग्रांट्स डे यानी जो है अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों।
और वहीं पे उन्होंने अपनी एक मैगजीन लिखी थी जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, भारतीय विचार नाम की ये मैगजीन निकलती थी, जिसके बारे में अभी प्रश्न था। तो ये थोड़ा सा हमने साउथ अफ्रीका की यात्रा से रिलेटेड बातें थोड़ा याद रखना आप सभी को। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पे मैंने डिस्कस किया, अब आगे क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या आगे है। क्वेश्चन क्या है, यही है ना कि कौन सा जो है पत्रिका, कौन सा मैगजीन गांधी ने, महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में जो है दोस्तों निकाली थी। अभी मैंने बताया इंडियन ओपिनियन उस जो है पत्रिका का नाम है। अगला क्वेश्चन आप लोग खुद ही दीजिए, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है। देखो आ गया ना क्वेश्चन, अभी मैंने बताया था फिनिक्स फॉर्म आश्रम कहाँ पे गांधी ने किया था, अभी मैंने बताया था डरबन साउथ अफ्रीका में, और कब हुआ था तो 1904 में। अब क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिए, बहुत आसान हो जाता है जब एक बार टॉपिक को आप समझ लेते हैं ना, तो क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है दोस्तों। एम के गांधी समर्थक थे, कुछ तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में न केवल फैक्ट के रूप में पूछे जाते हैं बल्कि अंडरस्टैंडिंग लेवल के आधार पर भी पूछे जाते हैं, लेकिन इसको जरा समझिए। समर्थक किस बात के थे, मार्क्सवादी समाजवाद के, नहीं गलत है, वो कम्युनिस्ट के पक्षधर जो है कभी भी नहीं रहे, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के पक्षधर नहीं रहे। श्रेणी समाजवाद के, ये भी गलत है, यानी कैटेगरी सोशलिज्म के। गांधी जो है किसी भी कास्ट रिलीजन या फिर सेक्स के आधार पे, यानी महिला है या पुरुष है उसके आधार पे, या किसी राज्य का है प्लेस अलग अलग, कोई बिहार का है उत्तर प्रदेश का है, इसके नाम पे उनके मन में किसी तरह का घृणा का भाव नहीं था, बल्कि सबको इक्वल देखते थे। और उसके बाद जो है कह रहा है कि आदर्शवाद के आइडियलिज्म के बारे में, ये भी गलत है। और आगे जो है फिलोसफिकल जो है आगे दे रहा है कि दार्शनिक अराजकतावाद के, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दार्शनिक अराजकतावाद के जो है समर्थक रहे हैं एम के गांधी जी, यानी महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, गांधी जी साउथ अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे। अभी मैंने क्या बताया दोस्तों कि 1893 में वो गए थे साउथ अफ्रीका अब्दुल्ला सेठ का केस लड़ने के लिए प्रिटोरिया कोर्ट में, और भारत में कब आते हैं, 9 जनवरी 1915 को। जरा यहां से यहां तक करो कितना साल आएगा, 21 साल। आंसर कहां है यहां पे, 21 साल, ये ठीक हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे थोड़ा सा आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है साउथ अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पे गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। अभी मैंने बताया था दोस्तों पीटर मारिसबर्ग जो है से उनको बस से फेंक दिया गया था, जो कंडक्टर वाली सीट पे जाकर के बैठ गए थे, तो वहां पे वहां से उठा करके फेंक दिया गया, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी वहां जारी थी, तो ये जरा याद रखना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है। अब भी मैंने चर्चा की भारत में राजनीतिक गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले जी, जो एक लिबरल लीडर रहे हैं, उदारवादी नेता रहे हैं, और ये 1905 के बनारस कॉन्फ्रेंस के जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये गांधी के राजनीतिक गुरु रहे हैं। और दार्शनिक गुरु जो है, फिलोसफिकल गुरु, मैंने बताया टॉलस्टॉय जो है रहे हैं। अब उसके बाद महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का मतलब क्या है, आप लोगों की एग्जाम 17 दिसंबर को है, और मैं बताना चाहूंगा आप सबको कि अब एग्जाम चूंकि आप सभी का नजदीक है, इसलिए जो है मैं क्वेश्चन को और इसके साथ टॉपिक को भी डिस्कस कर रहा हूं, तो ये सारे टॉपिक को आप सबको याद रखना है और रिविजन में अच्छे से कर लेना है, ताकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो कभी छूट ना पाए। मेरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप वहां पर टेकअप कर। अब ये कह रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य है, तो महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का मतलब क्या है कि धर्महीन राजनीति, तो गलत है, गांधी जी इसके कभी सपोर्टर नहीं थे। आगे जो है पॉलिटिक्स विदाउट रीजन, ये हो गया, इसके सपोर्टर वो कभी नहीं थे। जन कल्याण के लिए सक्रियता, हाँ गांधी जी का राजनीति का मतलब क्या है कि इक्वल एक्टिविज्म फॉर पब्लिक वेलफेयर, उन्होंने कहा कि भैया जन कल्याण के लिए सक्रियता दिखाओ, यही राजनीति का असली मतलब है। अब ये पूछोगे कि ये जन कल्याण वाली बातें कहां से आती है, तो ये गांधी जी जो है वो तीन बड़े ऑथर्स हैं उनसे काफी ज्यादा प्रभावित रहे। एक तो लियो टॉलस्टॉय के बारे में मैंने बताया कि उनके दार्शनिक गुरु है, एक थोरो थे और एक रस्किन थे जिन्होंने किताब लिखा, रस्किन साहब ने एक On to the last, और इस किताब में उन्होंने लिखा कि व्यक्ति का कल्याण जो है
वो मानव कल्याण में यानी जन कल्याण में ही निहित होता है। और यही बातें जो है ना गांधी को अच्छा लगा, तो उन्होंने ये मान लिया कि से भैया हमारी राजनीति का मतलब क्या होगा कि जन कल्याण के लिए सक्रियता यानी इक्वल एक्टिविज्म फॉर पब्लिक अफेयर। जब हम पब्लिक अफेयर जन कल्याण के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने एक धर्म की तरह इनको जो है देखा कि ये यही हमारा धर्म है। तो अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। अभी मैंने बताया पहला सत्याग्रह किसके द्वारा चालू किया गया, गांधी के द्वारा दुनिया का 1896 में 1896 में साउथ अफ्रीका से दोस्तों। साउथ अफ्रीका से किया गया। तो सत्याग्रह जो है ना वो सत्याग्रह जब पहली बार 1896 में साउथ अफ्रीका से अंग्रेजों के खिलाफ गांधी ने शुरू किया तो सत्याग्रह शब्द को जोड़ा किसने, गढ़ा किसने, तो महात्मा गांधी ने। आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का सेवा धर्म, ये सेवा करने वाला धर्म ये कहां पे अपनाया था। अभी मैंने बताया था साउथ अफ्रीका में वो जो है सबसे लंबे समय तक अपना जिंदगी बिताए, 21 सालों तक जो है जरा सोचिए किसी देश में रह करके और अंग्रेजों के खिलाफ यानी साउथ अफ्रीकन लोगों के लिए और इंडियन लोगों के लिए वहां उनको जस्टिस दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए जो है वो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ते रहे गांधी जी। तो ये जरा ध्यान में रखिए वहां से ही उन्होंने सेवा धर्म को एडॉप्ट किया था। यही क्वेश्चन कर रहा है वेयर डिड गांधी जी एडॉप्ट सेवा धर्म, तो आंसर क्या होगा, साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों के में से सबसे पुराना आश्रम कौन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया था कि पहला आश्रम कौन सा था, फिनिक्स आश्रम स्थापित हुआ था 1904 में कहां पे, साउथ अफ्रीका में। तो सबसे पुराना कौन होगा, वही होगा। और तब जाकर के साबरमती, वर्धा और सदाकत आश्रम, ये तीनों कहां पे है, भारत में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी पे और सारी बातें थोड़ा कर लेते हैं। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, क्योंकि आगे जो है केवल गांधी जी के बारे में ही पढ़ना है और उनके आंदोलनों के बारे में, उनके मूवमेंट के बारे में इंडिया में, तो वैसे तो मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा लेकिन पहले इसको थोड़ा सा प्रश्न को सॉल्व करते हैं फिर जाकर के और सारे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है निम्न में से उनकी विशेषता उनमें से कौन सी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स प्रेजेंटेड बाय गांधी जी, उसमें से कौन सा नहीं है। देखिए गांधी जी नैतिकता में, मोरलिटी में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, मानवता में जो है बाता ह्यूमैनिटी में जो है बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। एक जो है वो बोलते थे कि इसे देखो हम राजनीति का मतलब ये नहीं समझते कि आपके पास पावर होगा, सत्ता होगा, है ना, तभी जाकर के आप जो है जनसेवा कर पाओगे। जनता की सेवा करने के लिए, जन कल्याण के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप राजनेता ही बनो, एक सामाजिक कार्यकर्ता सोशल एक्टिविस्ट भी कर सकता है। और मैं बता दूं भारत में ये बात अलग है कि बेलगांव में, कर्नाटक में जो बेलगांव पड़ता है उसमें गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार कर ली थी 1924 में, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि वो राजनीति से जुड़े थे, बल्कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह, सामाजिक कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे। तो वो कोई राजनेता नहीं थे बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह काम उन्होंने किया। अब उसके बाद जो है देखा जाए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम के किनारे जो है जो बनाया था, अभी मैंने बताया था उसको क्या कहा जाता है। इससे पहले ही मैं बात कर चुका हूं संन्यास गृह आश्रम, अच्छा सत्याग्रह आश्रम। इस साबरमती आश्रम जो है साबरमती नदी के किनारे गुजरात में 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी, ये मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले भी आप सबको बता चुका हूं। और इसको हम किस नाम से, संन्यास गृह आश्रम के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम जो है वो नगर के बाहर स्थित है। आंसर जरा दीजिए कौन सा नगर, अभी मैंने बताया आप लोगों को अहमदाबाद, अहमदाबाद पड़ता कहां पे है, गुजरात में।
और गुजरात में ही अहमदाबाद में ही क्या है, साबरमती रिवर है और वहीं पे उन्होंने अपना जो है साबरमती आश्रम बनाया था। और यही बातें यहाँ पे भी कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम जो है वो इसमें से कौन से ऐसा शहर है जिसके बाहर वो स्थित है। तो याद रखना है अहमदाबाद के बाहर जो है साबरमती आश्रम जिसकी 1917 में गांधी जी ने स्थापना की थी। अब कैसे की थी इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले गांधी के सारे फैक्ट्स को थोड़ा देख लिया जाए। कह रहा है कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा का कृतम रूप क्या है। तो अहिंसा का कृतम रूप यानी अकॉर्डिंग टू गांधी जी इट इज एन आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस। देखिए अहिंसा का मतलब गांधी जी का उन्होंने कहा कि भैया कृतम रूप, कृतम यहाँ पे थोड़ा कृतम लिखा गया है, कृतम रूप। तो अब देखिए कृतम रूप उसका क्या है, तो गांधी जी ने कहा कि भैया गरीबी का अस्थायित्व बन जाना, ये जरा ध्यान में रखिएगा, परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी। यानी ब्रिटिश सरकार हमारे देश में क्या कर रही थी, शासन कर रही थी और गरीबों इतना ज्यादा जो है उन्होंने किसानों का शोषण किया, मजदूरों का शोषण किया, भारत के व्यापारियों का शोषण किया कि लोगों को जो है गरीबी में उन लोगों ने ढकेल दिया। तो ये जरा ध्यान में रखिए, उन्होंने कहा कि गरीबी यदि अस्थायित्व है यानी गरीबी बढ़ी हुई है, परसिस्टेंस है, लगातार है, तो ये जो है गांधी जी के अनुसार अहिंसा का कृतम रूप है। ऐसे जो है ये भी एक तरह का नॉन वायलेंस, ये क्या बोलते हैं ये, हाँ नॉन वायलेंस का ही कृतम रूप है। अब अगला क्वेश्चन पे थोड़ा सा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया। उन्होंने कहा कि देखो परिवार नियोजन के लिए नसबंदी, निरोध, लूप वगैरह का सहारा लोगे ना, तो ये परिवार नियोजन के लिए कुछ हद तक इससे किया जा सकता है। परिवार नियोजन जरा ध्यान में रखना, फैमिली प्लानिंग, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण की जो है ना जरूरत है। परिवार नियोजन के लिए देखो ये सिंपल सी समझने, अपनी समझदारी भी है, आज भी लोगों में एक जागरूकता फैलाया गया आगे की हम दो हमारे दो, और भारत में इसका असर भी देखा जा रहा है। बहुत सारे लोग आजकल जितने जो एजुकेटेड हो रहे हैं वो भी आज यही चाहते हैं कि नहीं बहुत ज्यादा जो है पॉपुलेशन को बढ़ाना ठीक नहीं है, उससे हमें भी लॉस होगा और देश के ऊपर भी एक बोझ आएगा। तो दोस्तों यही बातें उन्होंने कहा कि सेल्फ कंट्रोल जो है करना, ये जो है क्या है, परिवार नियोजन के लिए बेस्ट तरीका है। आगे कह रहा है कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा जो है का अर्थ क्या है। अहिंसा लिखा गया था, अहिंसा है नॉन वायलेंस का। कह रहा है कि द मीनिंग ऑफ नॉन वायलेंस इन गांधी जी व्यूज, यानी गांधी जी के व्यू के नजरों में अहिंसा का मतलब क्या है। उन्होंने बताया सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ये जो है क्या है, द पाथ टू अटेन ट्रूथ, ये गांधी जी की निगाहों में अहिंसा का मतलब है कि भैया सत्य की प्राप्ति का रास्ता। और सत्य क्या है, तो सत्य के बारे में अलग अलग लोगों का विचार रहा है, और मैं आपको बता रहा हूं सत्य का सिंपल सा मतलब है कि हम क्या करें, हम ऐसा कार्य करें जिसमें हमारा भी कल्याण हो और जनता का भी कल्याण हो, इसमें किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, अच्छी चीजों को एडप्ट करना, अच्छे मार्ग पे चलना। देखो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, यदि आप खुद बुरा सोचते हो तो उससे आपको भी लॉस है और समाज पे भी उसका प्रभाव, क्योंकि हर आदमी जो है समाज से जुड़ा हुआ है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, सोशल जो है। तो जरा ध्यान में रखिएगा कि हमारे सोच का, हमारे विचार का, हमारे एक्शन का न केवल प्रभाव हमारे ऊपर होता है बल्कि सोसाइटी के ऊपर भी होता है। तो इसलिए ये उन्होंने कहा कि सत्य का मार्ग अपनाना जो है ना, यही जो है सबसे बड़ी धर्म का मार्ग भी है। अब आगे देखिए नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर गांधी जी कपलेट प्रिंसिपल्स ऑफ राम राज्य, राम राज्य के बारे में उन्होंने कहा कि इसका युगल सिद्धांत क्या है। गांधी जी के दो सबसे मेजर जो है ना वो हथियार रहे, चीफ वेपन्स रहे दोस्तों, एक का नाम है सत्य और दूसरे का नाम अहिंसा। गांधी जी हमेशा कहते थे सच सुनो सच बोलो, है ना, सत्य के मार्ग पे चलो
अहिंसा का मतलब सिंपल सा, किसी के साथ कोई मारपीट झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे जो आपका खुद का विकास है वो प्रभावित होता है और देश का प्रभावित तो होगा ही। तो अब ये देखिए, क्योंकि हर इंसान जो है ना वो अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है देश में, देश के डेवलपमेंट में। तो ये यदि हम कुछ अच्छा करते हैं तो वही अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, यदि कुछ बुरा करते हैं तो उसमें भी जो है जरा सोचिए उससे देश को नुकसान होता है। नेक्स्ट वाला, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। अब यहां से हम थोड़ा सा टॉपिक को और लेते हैं, वो तो क्वेश्चन था सॉल्व करवा दी। अभी मैंने बताया कि गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत लौटते हैं दोस्तों। इसके अलावा गांधी जी का जब जैसे ही कंप्लीट होता है, गांधी जी के बाद जो है अब आगे का जो है ना गांधीयन एरा, जिसे कहते हैं गांधीयन युग ही पढ़ना है। कह रहा है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी क्या किया दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटते हैं और इसी दिन जो है इमिग्रेंट डे यानी अप्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। अब ये जब भारत आते हैं पहली बार तो ये अपना राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल गुरु किसको बनाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले को। और इनको मैंने बताया था कि ये एक लिबरल यानी उदारवादी नेता थे, कांग्रेस पार्टी के बनारस वाले अधिवेशन में अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं बनारस कॉन्फ्रेंस का, जिस समय बंगाल का पार्टीशन हुआ था। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने क्या बनाया, गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनैतिक यानी पॉलिटिकल गुरु बनाया था गांधी जी ने। और याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले की जो डेथ है ना वो 1915 में ही हो गई थी दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना है। गांधी जी जब जनवरी में आते हैं 1915 में तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा होता है दोस्तों, 1914 से लेकर के और 1918 तक क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। अब मैं बताऊं ये सबसे लंबा वार था। अब उस समय भारत का जो वायसराय था, ब्रिटिश वायसराय, उस वायसराय का नाम, उस समय वायसराय नहीं गवर्नर जनरल कहा जाता था, जरा इस बात को ध्यान में रखना, सॉरी वायसराय ही कहा जाता था, 1858 से ही शुरू हो गया था भारत शासन अधिनियम से वायसराय कहना, इस टॉपिक पे आगे बताएंगे और सारी बातें। वायसराय, उस समय जो वायसराय था भारत का उसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग, और लॉर्ड हार्डिंग का जो है ना शासन काल लिख लो दोस्तों 1910 में आया था लॉर्ड मिंटो के बाद और 1916 तक रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से उठा सकता है कि महात्मा गांधी जिस समय भारत लौटे थे, एक तो कि भारत वो कब लौटे, तो 9 जनवरी 1915 को, हो सकता है डेट से दे दे, हो सकता है ईयर से, दोनों याद रखने हैं। अप्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया, इमिग्रेंट्स डे कब मनाया जाता है, जरा ध्यान रखना 9 जनवरी 1915 को। क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि जिस समय भारत में गांधी जी आते हैं उस समय भारत का वायसराय कौन था, आंसर क्या होना चाहिए, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से लेकर के 1916 तक। अब लॉर्ड हार्डिंग जो है ये तो आप जान गए कि वायसराय था, ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर है जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ, जो 1911 के दिल्ली दरबार में आया था, तीसरे दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को। और ये वही वाला जॉर्ज पंचम है जिन्होंने घोषणा की थी कि कलकत्ता से देश की राजधानी जो है भारत की राजधानी दिल्ली ट्रांसफर करने की, बंगाल का 3 पार्ट में बंटवारा किया था, आप लोगों को बताया था बंगाल से बिहार को और फिर जो है बंगाल से उड़ीसा को अलग किया था, ये भी अनाउंस किया था दिल्ली दरबार वाले में, मैंने बताया है पीछे में। और 1912 में जो है ना वो रियूनियन ऑफ बंगाल यानी बंगाल का एकीकरण किया था, यानी बंगाल पहले धर्म के आधार पे जो ईस्ट और वेस्ट बंगाल में होता था उसको जो है एक किया था। मैं कहूंगा कि पीछे वाला वीडियो में जाकर के देख लीजिए आप अच्छे से, उसमें काफी डिटेल चर्चा किया गया है। तो जॉर्ज पंचम जो है वहां का क्या था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था। तो ये जरा ध्यान में रखिए कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो जॉर्ज पंचम है, जिस समय गांधी आते हैं भारत में, लॉर्ड हार्डिंग जो है उनको क्या करता है, बताता है कि गांधी आ रहे हैं, और 9 जनवरी 1915 में जब आते हैं उस समय जो है इन लोगों को ब्रिटिश सरकार की हालात थोड़ा जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में कमजोर पड़ने लगी थी, इसलिए इन दोनों ने मिलकर के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज पंचम लॉर्ड हार्डिंग को आदेश देता है कि देखो ये काम करो। गांधी जी एक ऐसे शख्स है ना जिसपे भारत के नेता भी और भारत की आम जनता भी विश्वास करेगी, अतः इनका यूज करो, और यूज करने के लिए तरीका क्या है कि उनको खुश करने का काम करो।
तो इसी ब्रिटेन की पार्लियामेंट, जो अभी भारत की पार्लियामेंट है ना, इसको पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट कहते थे, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बुला करके, और ये लॉर्ड हार्डिंग क्या करता है कि गांधी जी को ना, एक गांधी जी को यहाँ पे दोस्तों लिख देते हैं अलग पेज लेकर के, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। 9 जनवरी 1915 को जब गांधी आते हैं ना, तो लॉर्ड हार्डिंग जो भारत का उस समय तत्कालीन वायसराय है, लॉर्ड हार्डिंग क्या करता है दोस्तों, गांधी जी को बुलाता है ब्रिटिश संसद में, यानी भारत, ब्रिटिश भारत संसद में, और संसद में बुला करके सम्मानित करता है, और वहां पे इनको केसर ए हिंद की जो है वो टाइटल देता है, केसर ए हिंद की उपाधि देता है। अब सवाल है कि केसर का मतलब, केसर ए हिंद का मतलब क्या होता है, यानी हिंदुस्तान का सम्राट है ना, एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। अब सवाल है कि ये सम्राट वाली प्रथा आखिर क्यों, आपको बताया था 1862 में जो है ना वो अंतिम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह सेकंड थे, वो रंगून में 1857 की, जिन्होंने क्रांति का लीडर थे रिवोल्ट का, वो 1862 में रंगून में मर गए। और हडसन को बताया था कि हडसन जो ब्रिटिश रेजिडेंट था दिल्ली में, बहादुर शाह सेकंड जो अंतिम मुगल बादशाह थे, उनके दो पुत्र मिर्जा ख्वाजा और मिर्जा गालिब को मार करके दिल्ली में हत्या कर दिया था। तो उसके बाद सम्राट वाली प्रथा खत्म हो गई थी, और उसके बाद पहली बार सम्राट जो है 1877 में, ये इससे पहले भी मैं बता चुका हूं, लॉर्ड लिटन जब था भारत का वायसराय, तो उस समय पहला दिल्ली दरबार लगाया, और पहला दिल्ली दरबार, फर्स्ट दिल्ली दरबार, और दिल्ली दरबार में पहली बार जो है ब्रिटेन की क्वीन को बुलाया, जिसका नाम था महारानी विक्टोरिया, जो 1858 का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम लाई थी। तो विक्टोरिया जो है ना, विक्टोरिया को बुलाया, और इसी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि यानी टाइटल से नवाजा गया था दोस्तों। और किसने किया था, लॉर्ड लिटन ने। अब तो विक्टोरिया मर चुकी थी, तो मरने के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जो विक्टोरिया वाला उपाधि है वो अब गांधी को दिया, कि भैया जो हमारे यहां सम्राट के तौर पे, हिंदुस्तान के सम्राट के तौर पे विक्टोरिया को हम लोगों ने टाइटल दिया था, वो वाला टाइटल हम आप सबको दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं। और ये क्यों, क्योंकि इसके पीछे उन लोगों की चाल थी जो गांधी जी समझ नहीं पाए थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, और गांधी को ये टाइटल तो उन लोगों ने दे दिया, जिसे आगे जाकर के देखेंगे कि जिस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसके बाद जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन चलाया जाता है, दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है वो मूवमेंट चलाया जाता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो वो जो असहयोग आंदोलन है ना, उसके दौरान ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, ये जो केसर ए हिंद का उपाधि है उनको गांधी जी ने क्या कर दिया, लौटा दिया, वापस लौटा। अब ये मैं बता रहा हूं कि केसर ए हिंद की उपाधि किसने गांधी को दी थी, तो लॉर्ड हार्डिंग ने दी थी, और ये इससे पहले किसको दिया गया था, विक्टोरिया को, लॉर्ड लिटन के द्वारा, कब दिया गया था, 1877 में, और गांधी को कब दिया गया दोस्तों, तो 1915 में दिया गया, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब लॉर्ड हार्डिंग ने कहा कि देखो गांधी जी, ये काम करो आप, इंडियन लोगों को बोलो, भारत के हिंदुओं को बोलो, किसे बोलो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दे, और जैसे ही हम जीतते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद जो है हम आपको क्या करेंगे, हम आपको स्वराज, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का 1906 में हमसे मांग किया गया था, और भारत के आंदोलनकारियों का मांग है, आप नेताओं से पूछ लो, वो हम स्वशासन यानी स्वराज हम आपको दे देंगे। लॉर्ड हार्डिंग ने जो है वादा कर दिया गांधी से, गांधी ने कहा कि ठीक है। गांधी जी के कहने पे लाखों लोग भर्ती हो गए, और इसीलिए गांधी जी को जो है ना, गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, करने वाला सर्जेंट, सर्जेंट के नाम से भी जानते हैं, भर्ती करने वाला सर्जेंट के नाम से जानते हैं गांधी जी को। गांधी जी के कहने पर लाखों भारतीय लोगों ने पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारे गए। 1918 में दोस्तों जाकर के जब खत्म हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो अब वायसराय बदल चुका था, लॉर्ड हार्डिंग की जगह जो है वायसराय आ चुका था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और जो चेम्सफोर्ड आया ना, तो उन्होंने
जब गांधी जी ने कहा कि चलो हमने अपना वादा पूरा किया, भारत के लोगों को विश्वास दिला करके भारत के लोगों को जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपसे आपकी मदद करवाया, अब स्वराज जो है इंडिया की जो चाहत है उसको पूरा करो, तो वो जो है चेम्स फोर्ट जो है वो क्या है, चेम्स फोर्ट जो है वो अपने कम बैक ऑन हिज प्रोमिसेस यानी अपने जो वायदे है उससे मुकर गया। और जैसे ही मुकरा गांधी जी जो है बहुत गुस्से में, गांधी जी को लगा कि नहीं, गांधी जी ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा इन लोगों के खिलाफ। गांधी जी पे कुछ लोग नाराज भी हो गए कि गांधी जी ने जो है भर्ती करवा करके लोगों को तो मरवा दिया, बहुत सारे लोग मारे गए इसमें, लेकिन फिर भी स्वराज नहीं मिल पाया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसे में गांधी जी तो भारत में आ गए हैं और भारत में आने के बाद जो है उन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि भी ले ली है। अब यहां गांधी जी जो है पहला आंदोलन शुरू करेंगे चंपारण की धरती से और सत्याग्रह आश्रम, संन्यास गृह आश्रम, साबरमती आश्रम जो है वो एस्टेब्लिश कर ही दिए हैं 1917 में अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। अब चंपारण आंदोलन की शुरुआत करेंगे। आगे जो है ये टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। अब देखिए क्वेश्चन वाइज कि क्वेश्चन और क्या कह रहा है और आगे वाला क्वेश्चन, ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारी इसमें से चीजें हैं जो आपके क्वेश्चन में नहीं मिलेगी लेकिन इसको मिलेगी, इसमें जो मैंने क्वेश्चन बनाया है पीपीटी के फॉर्म में उसमें नहीं है लेकिन इसमें है। तो अब आपको पता चल गया कि 9 जनवरी 1915 को अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया, उसी दिन गांधी जी भारत में आए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि एम के गांधी ने, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। ध्यान में रखना जब साउथ अफ्रीका थे ना तो बीच में गांधी एक बार आए थे और गांधी जी कलकत्ता अधिवेशन 1901 में जो है ना वो भारत में आए, भाग लिए, जिसके अध्यक्ष जो है कांग्रेस पार्टी के दिनसा वाचा थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने जो है पहली बार भारत में कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन में, किस कॉन्फ्रेंस में जो है वो बैठे हुए थे, पार्टिसिपेट किए थे। तो याद रखना है 1901 का कोलकाता अधिवेशन और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी। अच्छा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है, दिस कॉन्फ्रेंस वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय दिनसा वाचा जी ने की थी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कह करके संबोधित। अब यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा, याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा। रविंद्रनाथ टैगोर जी साहित्य की दुनिया में, लिटरेचर की दुनिया में बंगाल के रहने वाले थे, राष्ट्र कवि, नेशन कवि के नाम से जानने ये रहे हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर देश के पहले जो है साहित्य लिटरेचर से नोबेल प्राइज विजेता रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1917 में, जब 1917 में गांधी जी के द्वारा चंपारण मूवमेंट पहली बार बिहार की धरती से शुरू किया जाता है और वो जब चंपारण मूवमेंट, चंपारण आंदोलन में गांधी जी की जीत होती है पहला आंदोलन, तो उसके बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी बातें कर लेते हैं, जैसे ये पूछ सकता है कि राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था गांधी जी को। जरा ध्यान में रखना, राष्ट्रपिता कोई और नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा था। सुभाष चंद्र बोस जो गांधी जी के कहने पे असहयोग आंदोलन में अपने आईपीएस पद से इस्तीफा दे करके और आकर के जुड़ गए थे। गांधी और सुभाष चंद्र बोस की जो है ना वो काफी अच्छी खासी जो है कॉम्बिनेशन बनता था उनसे, और सुभाष चंद्र बोस एक गुरु की तरह ही उनको राष्ट्रपिता उन्होंने कहा, फादर ऑफ द नेशन, और वो जो है एक गुरु की तरह मानते थे। अब ये है कि ये राष्ट्रपिता फादर ऑफ द नेशन कब कहा गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, याद रखना है। जैसे ये मैंने कहा कि महात्मा गांधी जो है 1917 के चंपारण मूवमेंट के बाद कहा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कहा गया था, ठीक उसी तरह से सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा राष्ट्रपिता वाला जो शब्द कहा गया वो किया गया 1943 में दोस्तों, जब वो रेडियो प्रसारण कर रहे थे, जापान थे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है
24 नंबर 24, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी का प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? गांधी जी से रिलेटेड कौन कौन सा भारत में आंदोलन रहा है? याद रखना राजकोट सत्याग्रह, हाँ भाग लिया था, यहां एकदम बिल्कुल सही है। और किसने नहीं लिया ये पूछ रहा है। खेड़ा सत्याग्रह, इसमें भी उन्होंने भाग लिया। खेड़ा आखिर है कहाँ और राजकोट कहाँ है? ये दोनों के दोनों जो जगह है वो गुजरात में है। और खेड़ा आंदोलन किसानों से रिलेटेड थी, मालगुजारी से संबंधित समस्या थी, आगे जाकर के बताएंगे। 1918 में खेड़ा आंदोलन भी हुआ था, इसको ज्यादा ध्यान में रखना। अब ये जो वायकोम सत्याग्रह है ना, ये केरल से रिलेटेड है और इसमें इन्होंने भाग नहीं लिया था। वायकोम सत्याग्रह के बारे में आगे बताना है। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के आधार पे जो है वहां पे ये वायकोम सत्याग्रह चलाया गया था वहां के स्थानीय लोकल लीडरों के द्वारा, इसमें जो है इन्होंने भाग नहीं लिया था गांधी ने। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आप लोग जानते ही है, 1 अगस्त 1920 से गांधी जी ने शुरू किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दुनिया का सबसे बड़ा मूवमेंट, बिगेस्ट मूवमेंट कहा जाता है क्योंकि इसमें करोड़ों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अब नेक्स्ट वाला बातें, इन सब के बारे में तो चर्चा आगे करेंगे ही करेंगे। महात्मा जोड़ा गांधी के नाम से पहले, देखो आ गया क्वेश्चन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1943 में जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने ये महात्मा शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन सवाल है कि गांधी जी के नाम के पहले महात्मा किसने जोड़ा, सॉरी राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था और महात्मा जो जोड़ा गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया तो कब जोड़ा गया था, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह हो गया तो उस समय पे रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा पहली बार गांधी जी को कह करके पुकारा, तभी से जो है इनको महात्मा गांधी कहा जाता है। अब सवाल है कि बापू किसने कहा, तो याद रखना है बापू जो है कहने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने बापू शब्द का इस्तेमाल किया। लाहौर कॉन्फ्रेंस के जब अध्यक्ष चुने गए थे 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज यानी फुल स्वराज की डिमांड रखी गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, तो उस 1929 में 1929 में लाहौर कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस का हो रहा था तो उसमें अध्यक्ष चुने गए थे गांधी जी, लेकिन गांधी जी ने अपने बदले जो है जवाहरलाल नेहरू को बना दिया था। और फिर उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू ने बापू शब्द का पहली बार प्रयोग किया था 1929 में लाहौर कॉन्फ्रेंस में, उसी में, ये जरा ध्यान में रखना है आप सब। अब एक जगह यही पे लिख लीजिए, अर्धनग्न फकीर यानी हाफ नेक्ड फकीर किसने कहा था और कब कहा था, अर्धनग्न फकीर गांधी को किसने कहा, तो ये याद रखना 1931 में कहा गया। ये गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुआ था, गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, कहां पे हुआ था, लंदन में हुआ था दोस्तों। और किसने ये पहली बार शब्द का प्रयोग किया 1931 में, तो विस्टर्न चर्चिल ने, विस्टर्न चर्चिल जो उस समय कंजर्वेटिव पार्टी का सांसद था ब्रिटेन में, जो आगे चल करके 1939 में क्या बन जाएगा, 1939 में ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा विस्टर्न चर्चिल, ये भी जरा ध्यान में रखना है। अब आगे वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था, भारत के स्वतंत्रता, हु डिड द फर्स्ट सत्याग्रह ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, किसने किया था। अब इसमें चार ऑप्शन दिया है, एक सरदार पटेल ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया या सुभाष चंद्र बोस ने किया। पहला सत्याग्रह जो है वो किसके द्वारा किया गया, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के द्वारा उसके टाइम पे। अब यहां पे जरा ध्यान में रखना, ये सत्याग्रह के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि पहला सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया, सरदार पटेल क्या थे, सरदार पटेल जो है जरा ध्यान में रखना बारदोली सत्याग्रह से जुड़े थे और इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और बारदोली कहां पे पड़ता है, तो बारदोली पड़ता है गुजरात में और ये किसानों के एक नेता थे, तो बारदोली सत्याग्रह जो है ये जरा ध्यान में रखना है, बारदोली सत्याग्रह से जुड़े हुए नेता, किसान नेता, गुजरात के रहने वाले, बारदोली डिस्ट्रिक्ट के सरदार पटेल जी थे जिसे अब आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और इन्होंने जो है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले जो है ना इन्होंने क्या किया, इन्होंने बारदोली सत्याग्रह यानी सत्याग्रह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। जैसे हम कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में पहली बार किसने किया,
गांधी ने किया, उसी तरह भारत में सत्याग्रह पहले किसने किया, तो ये जरा याद रखना है कि पहली बार जो है वो सरदार पटेल जी ने किया था, जिसे आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने किया। अभी मैंने बताया कि फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और कब कहा था, 1943 के टाइम पे कहा था इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने, राष्ट्रपिता। जरा इस बात को भी ध्यान रखना, गांधी जी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने, जिनकी सहायता से हरिपुरा, कांग्रेस पार्टी का हरिपुरा अधिवेशन में इनकी सहायता से पहली बार जो है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस क्या बने थे, कांग्रेस पार्टी का पहली बार अध्यक्ष किसकी सहायता से बने थे, गांधी जी की सहायता से। जरा ध्यान में रखना हरिपुरा अध्यक्ष में। लेकिन वही गांधी जी ने जो है 1900 ये कब की बात है, ये हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, पहली बार जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी जो है चुने गए, जिसमें गांधी जी का सहयोग था, हेल्प था। हरिपुरा अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। अब ये मैं बता रहा हूं, इसी तरह जो है ना, लेकिन वही त्रिपुरी अधिवेशन, जिसे त्रिपुरी क्राइसिस संकट के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्राइसिस क्यों कहा जाता है, जरा इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। 1939 की बात है, 1939 की बात है, सुभाष चंद्र बोस फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े, लेकिन गांधी जी ने जो पहली हरिपुरा में उनको बनवाया था, बनाने में मदद किया था सुभाष चंद्र बोस को, अब की बार सुभाष चंद्र बोस से झगड़ा हो गया। मतलब एक तरह का जो है आइडियोलॉजिकल थोड़ा सा वैचारिक जो है वो मतभेद हो गया, दोनों में डिफरेंस आ गया। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने त्रिपुरी अधिवेशन में इनके खिलाफ, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव में उतार दिया। लेकिन फिर भी जो है त्रिपुरी में कांग्रेस पार्टी का दूसरी बार, सेकेंड टाइम जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी क्या बन जाते हैं, कांग्रेस पार्टी का दोस्तों अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं त्रिपुरी में। जब पट्टाभी सीतारमैया की हार हो जाती है, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं इसमें अध्यक्ष पद का चुनाव त्रिपुरी अधिवेशन में, तो जीतने के बाद गांधी जी कहते हैं कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं बल्कि ये मेरी हार है। और ऐसे शब्द जैसे ही सुनते हैं सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन में अपना कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर दिया, और रिजाइन यानी कांग्रेस पार्टी का त्याग कर दिया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन किया जा सकता है आप लोगों में कि भाई सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा, अपना रिजाइन किस अधिवेशन में दिया था, त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस में, इसको त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है, और कब दिया था, 1939 में। अब सवाल है कि ये इन्होंने तो रिजाइन दे दिया, रिजाइन देने के बाद किसको बनाया गया अध्यक्ष, तो रिजाइन देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन ध्यान में रखिएगा ये कोई चुनाव नहीं अध्यक्ष पद का लड़े थे, सुभाष चंद्र बोस के बदले में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के पहले राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है क्या बनाया गया, यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। किनके बदले में बनाया गया, जरा ध्यान में रखना है, सुभाष चंद्र बोस जी के बदले में बनाया गया। तो हमने क्या बता दिया आपको कि सुभाष चंद्र बोस के बदले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने नहीं गए थे, उनके बदले में बनाया गया था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने अपना त्रिपुरी में त्याग पत्र दे दिया था जब वो सेकंड टाइम बने थे। अब क्यों डिफरेंस ये आया था, तो आया था आप लोगों ने कभी सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, प्रसिद्ध नारा किसका है, तो ये प्रसिद्ध जो है स्टेटमेंट, फेमस है स्लोगन, ये दिया गया, वॉज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि देखो हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसे में कभी कभी हिंसा करना जो है वो उचित होता है, हिंसा हमेशा गलत नहीं होता। जबकि गांधी जी का कहना था कि नहीं, हिंसा हमेशा गलत होता है, अहिंसा जो है वो नॉन वायलेंस बेस्ड ही हमारे में, तुम ऐसे ऐसे भड़काऊ भाषण मत दो कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। तो चूंकि गांधी का अपना पक्ष था, सुभाष चंद्र बोस जी का अपना पक्ष था, सुभाष चंद्र बोस जी ये मानते थे कि नहीं, देश को आजाद कराने के लिए थोड़ा सा बलिदान देने की जरूरत है ही, और संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आजादी मांगने से नहीं मिलेगी, आजादी को छीनने से मिलेगी,
और ये आसान नहीं है ऐसे लोगों के साथ कि हम जो दुष्ट लोग हैं इन लोगों के साथ हम किसी तरह का माया मोह दिखाए, किसी तरह का दया दिखाए, ये गलत है। जबकि गांधी का कहना था कि नहीं, हम अहिंसा के सपोर्टर इसलिए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लोगों में, हमारे आंदोलनों में, हमारे किसी हड़ताल में, स्ट्राइक जब होती है तो उसमें पुअर फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर क्लास फैमिली से अधिकांश गरीब किसान मजदूर छात्र जुटते हैं जिनके हाथों में कोई हथियार नहीं है, लाठी डंडे के अलावा भारत में कुछ है नहीं। और आप लोगों ने देखा है कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, जालियांवाला कारनेज में किस तरह से जनरल डायर ने हमारे हजारों किसानों की हत्या अमृतसर में कर दी थी जबकि उन लोगों का कोई दोस्त नहीं था। तो गांधी का भी कहना ठीक था और सुभाष चंद्र बोस का भी अपने हिसाब से विचार ठीक था, दोनों का अलग अलग ये है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि आप किसके विचारों से सहमत हैं। गांधी जी इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि यदि हम जो है हिंसा थोड़ा सा भी हुआ तो ब्रिटिश सरकार हमारे साथ क्रूरता से पेश आएगी और हमारे हजारों निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। जरा देखिए किसमें नहीं थे गांधी जी। क्विट इंडिया मूवमेंट इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था याद रखना है, 1942 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, ये भी 1930 में, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्हीं के द्वारा चलाया गया। उसके बाद खेड़ा आंदोलन गुजरात के, अभी मैंने बताया किसानों से रिलेटेड समस्या थी 1918 में, गांधी जी के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया। तो किसमें पार्टिसिपेट नहीं किया गया याद रखना है, बारदोली में जो है वो नहीं किया गया। आंसर क्या होगा, बारदोली, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बारदोली से कौन नेता जो है, बारदोली सत्याग्रह का अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। इसमें भी थोड़ा सा देख लीजिए, गांधी जी खिलाफत मूवमेंट से जुड़े रहे। खिलाफत मूवमेंट शौकत अली और मोहम्मद अली, अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, 1919 में इन्होंने शुरू किया। जून में जो है, जून 1919 में दिल्ली में जब खिलाफत कमेटी की बैठक हुई तो गांधी जी को जो है मोहम्मद अली और शौकत अली जो खिलाफत कमेटी के फाउंडर कहे जाते हैं उन लोगों ने जो है उन्होंने बुलाया, गांधी जी को नेता दिया कि भाई इसकी अध्यक्षता करो। तो गांधी जी ने इन दोनों के कहने पे पहली बार जो है अध्यक्षता स्वीकार की थी और खिलाफत कमेटी के वो जो है जून 1920 में दिल्ली वाले कमेटी के अध्यक्ष बने, जिसका मोहम्मद अली जीना ने, जो मुस्लिम लीग का था, जो 1913 में ही जुड़ गया था मुस्लिम लीग पार्टी के सदस्य के रूप में, मोहम्मद अली जीना ने विरोध किया था कि कांग्रेस के खिलाफत कमेटी में महात्मा गांधी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि महात्मा उनके शब्द से पहले जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि ये किसी एक धर्म के है, ये जो है धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकते। तो इसको लेकर के खैर हम बताएंगे आगे जाकर के, और भी बातें बात करनी है, बहुत डिटेल में चर्चा किया जाएगा। इसमें ज्यादा ध्यान में रखें, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है 1940-41 के टाइम में गांधी जी इसमें थे, ये जरा ध्यान में रखना है। खिलाफत आंदोलन 1919 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ये तीनों में पार्टिसिपेट गांधी जी किए थे, स्वदेशी आंदोलन में नहीं थे। और आप लोगों को बताया था कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है वो भारत में 1905 में तब हुई थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को दोस्तों, कलकत्ता के टाउन हॉल से, किसके खिलाफ, बंगाल विभाजन के, पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ, जब लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था। तो पीछे ये सारी बातें पढ़ा चुके हैं, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा देखिए। गांधी जी विचारधारा से किससे प्रभावित रही है, गांधी की विचारधारा, अब भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया रस्किन ने एक बुक लिखा था अन टू द लास्ट, जिसमें उन्होंने लिखा कि व्यक्ति का कल्याण जनता के कल्याण में, मानव के कल्याण में निहित होता है। और इस किताब से गांधी जी की एक स्पेशल जो है ना क्वालिटी ये भी थी, न केवल वो एक अच्छे लीडरशिप, बल्कि वो लीडरशिप कहां से निखरा था, क्योंकि गांधी जी जब खाली समय में होते थे ना तो बहुत सारी किताब पढ़ते थे, दुनिया के बढ़िया बढ़िया बायोग्राफी भी पढ़ते थे जिसका उनके विचारधारा, वो किसी एक विचार एक धर्म से रिलेटेड नहीं थे, उनके ऊपर बहुत सारे जो है विचारों का प्रभाव था दुनिया के, वर्ल्ड के। यही रीजन है कि उन्होंने अपना धार्मिक गुरु टॉलस्टॉय को बनाया, क्योंकि टॉलस्टॉय की किताब में ये लिखा हुआ था किसे नहीं, मानव जो है
अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। और गांधी जी इस बात से प्रभावित थे कि मानव को भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि भाग्य को क्रिएट करने के लिए, भाग्य को बदला जा सकता है अपने कर्म के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा। तो आप लोग भी अपना कर्म कीजिए दोस्तों, और मेहनत के द्वारा जो है अपने भाग्य को बदलने का प्रयास कीजिए। यदि आप सही दिशा में कर्म करते रहे ना, तो भाग्य बदलता है, इतना विश्वास रखिए। अगला जो है थोरो से, हाँ इनसे भी प्रभावित थे गांधी। और लियो टाल अस्टाय, जिसमें ये टाल अस्टाय लिखा है दोस्तों, टाल अस्टाय है, ये भी इनसे भी प्रभावित थे, यानी उपयुक्त में सभी। आंसर क्या होगा? मेन आंसर हो गया ये वाला, जरा ध्यान में रखना है, आंसर नंबर डी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाला जो है क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का मतलब क्या है। देखिए अब ये एक टॉपिक हो गया अलग से, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा, चंपारण आंदोलन क्या था, क्यों था, कैसे था, इसको हम पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का मतलब क्या है। देखिए सारे के सारे चंपारण से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ है चंपारण से, और ये 35-36 नंबर भी क्वेश्चन सारे के सारे चंपारण से है दोस्तों। तो आइए चंपारण के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तिनकठिया प्रथा क्या है, टेनेसिया सिस्टम क्या है। देखिए टेनेसिया सिस्टम का मतलब होता है 3/20 भाग पर खेती करना, यानी 20 कट्ठा यदि आपके यहाँ कट्ठा चलता है, तो यदि 20 कट्ठा जिसके पास कट्ठा नहीं है, गज चलता है तो 20 गज में समझ ले, बिस्वा चलता है उत्तर प्रदेश में बिस्वा समझ ले, जहां के आप रहने वाले हैं, तो 20 कट्ठा जो खेत है ना, उसमें से तीसरे वाले पार्ट पे सिर्फ और सिर्फ जो है नील की, यानी इंडिगो की खेती जो है की जाएगी। ये जो एक रूल बना दिया गया था तिनकठिया प्रथा, जिसे हम लोग इंग्लिश में टेनेसिया सिस्टम के नाम से जानते हैं। और ये टेनेसिया सिस्टम कहां पे लागू कर दिया गया था, तो बिहार के चंपारण में कर दिया गया था, और चंपारण में नील की खेती करवाया जाता था किसके द्वारा, नीलहो के द्वारा। और नीलहे किसको कहते हैं, नीलहे कहा जाता है यूरोपियन इंडिगो ऑनर को, यानी वो यूरोपियन इंडिगो ऑनर का मतलब क्या, अंग्रेज मालिक, जो आगे अंग्रेज का बगान मालिक जो खेती करवाते थे भारत के किसानों से, नील की खेती करवाते थे। और मैंने पहले भी बताया है कि इंडिगो भारत से ले जाया जाता था, और ले जाकर के पैकेजिंग करके, और उसे न केवल भारत में भी ला करके बेचा जाता था सस्ते मार्केट, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, औद्योगिकरण, तो बहुत सारे मशीन का उस समय जो है आविष्कार हो गया था, इनोवेशन काम कर रही थी इंग्लैंड में, और उसके साथ साथ जो है दुनिया के और सारे देशों में वो बेच करके पैसा कमाता था। तो भारत से रॉ मटेरियल के फॉर्म में, कच्चे फॉर्म में लेकर के, न केवल नील को बल्कि चाय, आप जो है टी, कॉफी, अफीम, ओपियम, ये सारी चीजों को जो है भारत से खेती करवा करके ये लोग कॉटन वगैरह भी लेकर के जाते थे, रेशम वगैरह भी लेकर के जाते थे, और बेचते थे यूरोपियन कंट्री में, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट, क्योंकि उनका मेन टारगेट क्या था, ज्यादा से ज्यादा भारत से प्रॉफिट गेन करना, इसके लिए चाहे वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। तो नीलहे किसको कहा जाता है, नीलहे यूरोपियन यानी अंग्रेज जो है मालिकों को, बगान मालिकों को कहा जाता है, यूरोपियन इंडिगो ऑनर को कहा जाता है, जो फोर्स किया करते थे किसे, नहीं तुम लोग 3/20 हिस्से पर ही खेती करोगे और नील की ही खेती करोगे। अब सवाल है कि नील की खेती का ये टेनेसिया सिस्टम जो लागू किया गया था दोस्तों चंपारण में, जिसके तहत मजबूर किया जा रहा था कि नहीं आलू प्याज गेहूं या चावल खाने पीने वाली चीजों का तुम लोग खेती नहीं करोगे, तो ये क्यों किया जा रहा था। अब इसके बारे में थोड़ा सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसको हम हल्का सा टॉपिक पे डिस्कस कर देते हैं, ज्यादा नहीं लेकिन इतना कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन ये सारे सॉल्व हो जाए। तो अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए चंपारण आंदोलन जो है, पहली बात जरा ध्यान में रखना है कि चंपारण मूवमेंट गांधी जी का भारत में पहला मूवमेंट था, पहला जो है परीक्षण था, और ये जो है पहला आंदोलन गांधी जी का है। फर्स्ट मूवमेंट जो है गांधी जी ने स्टार्ट किया, गांधी जी स्टार्टेड हिज फर्स्ट मूवमेंट फ्रॉम बिहार, बिहार से ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है चंपारण डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने शुरू किया था पहला एक्सपेरिमेंट अपना, और ये सफल रहा। कैसे सफल रहा अब इसको जरा समझिए। हो क्या रहा था, गांधी जी क्यों गए चंपारण में, जो है वो नील की खेती करवाई जाती थी यानी इंडिगो की खेती करवाई जाती थी किसके द्वारा, तो याद रखना है नीले यानी इंडिगो यूरोपियन
यूरोपियन इंडिगो ओनर के द्वारा। नील की खेती सिस्टम कौन सा लागू था कि 3/20 हिस्से पर यानी जिसे टेनेसिया सिस्टम कहते हैं, अभी मैंने बताया तीन कठिया प्रथा लागू थी कि 3/20 हिस्से पर नील की ही खेती करना है। अब किसानों को क्या प्रॉब्लम थी, किसानों को ये प्रॉब्लम थी दोस्तों कि नील की खेती से एक तो मिट्टी की उर्वरता क्षमता कम हो जाती थी, जिसे वो यदि एक बार जो है, जैसे फसल जो है मौसम पे डिपेंड करता है वेदर, और एक साल है, एक साल में किसान अधिकतम जो है आप जानते ही हो कि 3 बार जो है वो फसल कम से कम उगा सकता है, और 3 बार के बदले में यदि जो है यदि इंडिगो वहां पे उगाता है, इंडिगो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उस खेत में उस फॉर्म में, तो अब होता क्या है कि उसे मिट्टी की उर्वरता क्षमता डैमेज हो जाती थी, कम पड़ जाती थी, जिससे वो अपनी अगली फसल को यदि बोता भी था तो खराब निकल जाती थी, वो हो नहीं पाता था। तो एक तो मिट्टी की उर्वरता यानी फर्टिलाइजर क्षमता जो है वो कम होती गई, क्वालिटी उसकी कम होती गई, और जिस जो परफानिक का विषय था किसानों के लिए, और दूसरी बात है कि इन लोगों ने फिक्स रेट कर रखा था कि देखो तुम लोग इंडिगो की जो खेती करोगे वो हमें ही बेचोगे, किसी और को नहीं बेच सकते, तो उन्होंने फिक्स रेट कर रखा था कि हम फिक्स रेट करते हैं इसी तय दामों पर। अब मान लिया जाए, एक सपोज कीजिए कि आपका टोटल कॉस्टिंग जो है पर केजी 10 रुपए पड़ा, एक बात बता रहे हैं एग्जांपल के थ्रू, और वो फिक्स रेट किए हैं कि से नहीं 10 रुपए पड़ रहा है तुम हमें 8 रुपए में ही दो, तो अब किसानों को फायदा क्या हो रहा है, फायदा की जगह तो नुकसान हो रहा है, या 11 रुपया में या 12 रुपया में ही दो, तो उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ना के बराबर, उससे उनका खर्चा भी नहीं चल रहा है, और तो और जो है वो कमजोर होते जा रहे हैं, यानी जो है इस जो है सिस्टम से किसानों की स्थिति जो है दिनों पर दिन पिटिएबल होने लगी, कंडीशन जो है बहुत खराब होने लगा दोस्तों। तो अब जरा ध्यान रखिए, फिक्स रेट कर रखा कि हमें ही देना है और इसी दाम पे देना, ये दोनों इतना खराब था, ऊपर से जो है टैक्स भी ज्यादा से ज्यादा लगान भी वसूला जाता था, ये प्रॉब्लम थी किसानों की। अब इसको लेकर के जो किसान लीडर है ना, जिसका नाम था बिहार के किसान लीडर का, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी कई बार किया गया है, राजकुमार शुक्ला, और इन्हीं के बुलाने पे गांधी जी जो है वो बिहार चंपारण डिस्ट्रिक्ट पहुंचे थे फर्स्ट मूवमेंट में। तो ये जो राजकुमार शुक्ला जी है ना, राजकुमार शुक्ला की पहली बार मुलाकात गांधी जी से होती है 1916 के लखनऊ कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी का जो हुआ था लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसमें ये गए थे लखनऊ अधिवेशन में, और गांधी जी से राजकुमार शुक्ला जो है मिलते हैं। मिलने के बाद किसानों की जो कंडीशन है उसके बारे में इन्होंने बताया कि देखो ऐसी ऐसी कंडीशन किसानों की है, आप गांधी जी चलिए बिहार में, आपकी जरूरत है। तो गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ला से के कहने पे लखनऊ अधिवेशन में जब बात हुई किसानों की स्थिति को जाना, तो गांधी जी क्या करते हैं 5 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंच जाते हैं राजकुमार शुक्ला के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि गांधी जी चंपारण पहली बार कब पहुंचे थे, 5 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंच जाते हैं दोस्तों। और जैसे ही वो चंपारण पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वहां के जो लोकल लीडर है उनको उनका साथ मिलता है गांधी जी को। याद रखना गांधी जी को साथ देने वाले इनमें से चंपारण आंदोलन में से कौन से सहयोगी थे, ऐसे क्वेश्चन किया जा सकता है और कई बार एग्जामों में किया भी गया है। तो अब देखिए उसमें जरा ध्यान में रखना कुछ लीडरों का जो गांधी जी का साथ दिया था, नरहरि पारिख जो है बिहार के नेता जिन्होंने गांधी जी का चंपारण आंदोलन में साथ दिया था, ब्रज किशोर बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना के मेयर भी रहे हैं नगर निगम के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक बिहार के फेमस नेता रहे हैं, मजहरुल हक का नाम याद रख लीजिएगा, और उसके बाद जो है ध्यान में रखिएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, इसमें जेबी कृपलानी एक ऐसे जो है फॉलोअर्स थे गांधी जी के, चेले थे, जो शिक्षक थे जेबी कृपलानी साहब। अब ये मैंने नाम क्यों लिखवाया, ये नाम क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि पूछ देता है कि चंपारण आंदोलन में
इनमें से कौन गांधी जी के साथ थे या कौन गांधी जी के साथ नहीं थे, ये क्वेश्चन बना देता है। तो ये याद रखना है सारी बातें। इसके अलावा गांधी जी पहुंचे, गांधी जी ने समस्याओं को जाना समझा और समस्याओं को जानने समझने के बाद अपना रिपोर्ट तैयार किया और रिपोर्ट तैयार करके लॉर्ड जेम्स फोर्ड जो वायसराय था उस जेम्स फोर्ड के साथ बात किया। जेम्स फोर्ड अभी रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि जेम्स फोर्ड के जरा ध्यान में रखो अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और गांधी के कहने पे ही जो है भारत के लोगों ने जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिंदू लोगों ने लाखों लोगों ने भर्तियां की थी ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए जेम्स फोर्ड ने क्या किया कि बोला कि ठीक है गांधी जी आप क्या कहते हैं वो बताइए, और तो पहला हमारी शर्त है कि पहले भाई ये जो तीनकठिया प्रथा है ना टेनेसिया सिस्टम कि 3/20 हिस्से पे खेती करनी ही पड़ेगी, नील की खेती करने से मिट्टी की उर्वरता क्षमता कम हो रही है और किसानों को इसमें फायदा नहीं हो रहा है, और तीसरी बात कि आलू प्याज गेहूं वगैरह यदि नहीं उगाएंगे तो खाएंगे कहां से किसान, तो इससे फूड क्राइसिस उत्पन्न होगी, फिर अकाल पड़ेगा और आप लोग ऐसा ही काम कर रहे हो किसानों के साथ जिससे कि अकाल भुखमरी के शिकार हो जाए लोग और बहुत सारे लोग मारे जाए, तो आप एक तरह से एक्सप्लोटेशन का काम कर रहे हो, शोषण का काम कर रहे हो। इसको छोड़ो, तीनकठिया प्रथा को खत्म करो, पहली मांग। दूसरी मांग, आप लोगों ने जो किसानों पे हैवी टैक्स लाद रखे है ना, जो बहुत ज्यादा टैक्स लाद रखे है उस टैक्स को खत्म करो, यानी जो हैवी टैक्स है कर जो है भारी भरकम जो कर है उसको क्या करो, उसको कम करो, भारी भरकम कर को, भारी भरकम मतलब हैवी टैक्स, हैवी टैक्स। तो गांधी जी के कहने पे एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाया जिसका सदस्य गांधी जी को खुद रखा और गांधी जी ने ये दो बातें जो है मांग की जेम्स फोर्ड से और दोनों की दोनों बातें मांग ली गई, यानी गांधी जी के कहने पर टेनेसिया सिस्टम को भी खत्म किया गया और कर में भी कटौती की गई, कम की गई। और ध्यान में रखिएगा उसी समय जो है जो रासायनिक रंग है जो केमिकल है केमिकल डाइच इसका भी इन्वेंशन हो चुका था और ये लोग मंगाने लगे थे, यानी भारत से जो नील लेकर के जाते थे इंडिगो लेकर के जाते थे भारत से अंग्रेज लोग, अब ये जब नील की जगह पे केमिकल डाई आ गई तो उसका यूज करने लगे जो बहुत सस्ता इन लोगों को मिल जाता था जर्मनी से, जर्मनी में इन्वेंशन हो चुका था केमिकल डाइज का 19वीं शताब्दी के अंत तक जाते जाते मतलब सॉरी 19वीं शताब्दी के अंत तक नहीं 19वीं शताब्दी के शुरुआत में 19 सेंचुरी के थोड़ा। तो अब इस समय पे क्या हुआ कि तीनकठिया प्रथा खत्म कर दिया गया गांधी जी के कहने पे रिकमेंडेशन पे और कर भी जो है टैक्स को भी खत्म किया गया, और खत्म करने से क्या हो गया गांधी जी का एक तरह से यह जो चंपारण आंदोलन है वो सफल रहा, और इसके बाद ही सफल होने के बाद जो है गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह जब सफल हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा कहा था। एक बात और भी जरा याद रखना है, एन जी रंगा एक ऐसा जो है किसान नेता जिन्होंने गांधी जी के चंपारण आंदोलन का अपोज किया था दोस्तों, विरोध किया था, और यहां से क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में किया गया है। चलो अभी इसे मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि अच्छे से आप लोग समझ जाओ, एग्जाम नजदीक है इसलिए हमें काफी डिटेल में ना जा करके आपको वो सारी चीजों पर डिस्कस करना पड़ रहा है जो चीजें आपके एग्जाम से डायरेक्ट कनेक्ट रखती है और कई बार एग्जामों में क्वेश्चन वो किया गया है। अब नेक्स्ट वाला थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही है कि तीनकठिया प्रथा का मतलब क्या है, 3/20 हिस्से पे, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/20 हिस्से, चंपारण में ये लागू था गांधी जी के कहने के बाद खत्म हुआ। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, अब जरा सोचो तीनकठिया प्रथा से जुड़ा था, ये आंसर आप लोग अपने आप आंसर दो। चंपारण नील आंदोलन के लिए राष्ट्रीय नेता कौन थे, जरा ध्यान में रखना है राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी जो है इसके बाद बन गए थे, साउथ अफ्रीका में इससे पहले थे और जब भारत में आए तो चंपारण आंदोलन के बाद
एक नेशनल लीडर के तौर पर गांधी जी का यहाँ पे उभार होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो अहमदाबाद जो सत्याग्रह है ना दोस्तों, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी सूती इसमें दिया है किसान के लिए, गलत है, ये किसानों की समस्या नहीं थी। सूती मिल कारीगरों के लिए, हाँ ये सही है। आभूषण कारीगरों के लिए गलत है, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए गलत है। आंसर क्या है? अहमदाबाद सत्याग्रह गांधी जी ने 1918 में चलाया। ये मिल मजदूर की समस्या थी। समस्या क्या थी? समस्या मैं बता देता हूं, 1914 से लेकर के अभी मैंने बताया था 18 तक क्या चला था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान आप लोगों को पता है कि जब वर्ल्ड वार होता है तो एक तो महंगाई बढ़ जाती है, और दूसरी बात उस समय एक बीमारी चली थी, हैजा जो है बीमारी थी, प्लेग बीमारी थी। तो प्लेग बीमारी के कारण क्या हुआ कि जैसे कोरोना आया, तो कोरोना के कारण क्या हुआ, कोरोना के कारण यहां से लोग जो है वो शिफ्ट होने लगे, अलग अलग राज्यों में जाने लगे, लोग अपने अपने घर होम टाउन को जाने लगे। तो ठीक उसी तरह से इस समय भी क्या हो रहा था कि गुजरात में कि जो अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल मजदूरों की समस्या थी, मिल मजदूरों की जो समस्या थी, मजदूर भी छोड़ छोड़ करके जाने लगे ब्रिटिश कंपनी को, जो काम करते थे ब्रिटिश कंपनी में। तो ब्रिटिश कंपनी के जो ओनर थे उन लोगों ने कहा कि भाई तुम लोग जाओ मत, तुम लोग काम करो, और तुम लोगों को हम क्या करेंगे, हम बोनस देंगे, और बोनस थोड़ा नहीं बल्कि टोटल सैलरी का 80% तुम लोगों को बोनस दिया जाएगा। कितना परसेंट दिया जाएगा? 80% दिया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है 80% आप देखो, उन्होंने कहा हाँ 80% आपको देंगे। मजदूर बोले कि ठीक है हम जो है रह जाएंगे, आप 80% हमें बोनस देना टोटल का। मान लीजिए 10,000 मिलता है तो 80% उसका 8,000 हुआ, 10 + 8 = 18,000 रुपए। अब जो है मजदूरों को लगा कि नहीं हमें रुक जाना चाहिए, रुक गए। लेकिन जैसे ही ये प्लेग बीमारी खत्म हुई ना दोस्तों, और 1918 का जो है 1918 जाते जाते फर्स्ट वर्ल्ड वार भी खत्म हो गई, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण महंगाई बढ़ चुकी थी, एक तो समस्या ये थी, और दूसरी बात कि प्लेग खत्म होने के बाद बीमारी, प्लेग बोनस जो है, क्योंकि और सारे अब मजदूर आने लगे अलग अलग से। तो मिल मालिकों ने क्या किया, यूरोपियन मिल मालिकों ने, उन्होंने कहा अब हम बोनस नहीं देंगे। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि नहीं देंगे, तो मजदूरों ने कहा कि ये तो हमारे साथ धोखा है, जब जरूरत था तो इन लोगों ने रख लिया, और आज बोनस फिर बंद कर दी। कहा कि कोई बात नहीं, एक काम कीजिए आप जो है हम लोगों को 50% ही दे दीजिए, 80% नहीं दीजिएगा। तो यानी जो है मांग कितनी थी, मजदूरों की मांग कितनी थी दोस्तों, 50% दे दीजिए। मिल मालिकों ने कहा, नहीं हम जो है 50% नहीं, 20% आपको देंगे, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो जाओ, कोई बात। तब गांधी जी को जो है अहमदाबाद मिल मजदूरों ने इनवाइट किया, और गांधी जी गए वहां पे। अनुसुईया बेन, विठल भाई पटेल जो गुजरात के मजदूर संघ के नेता थे, और ये वही विठल भाई पटेल है जो केंद्रीय विधानसभा में यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ब्रिटिश सरकार के दौरान, आप देखोगे कि 1923 में स्वराज पार्टी की तरफ से जब चुनाव जीतते हैं तो पहले जो है ब्रिटिश भारत के लोकसभा के यानी केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर अध्यक्ष चुने गए थे भारत के स्वराज पार्टी की तरफ से। तो ये आगे चुके पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे। मिल मालिकों ने कहा 20% लेना है तो लो, नहीं लेना है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं हमें। गांधी जी जो है उनके साथ बैठ गए, गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी गए, और गांधी जी जाकर के उन्होंने मांग किया गांधी जी ने कि नहीं भाई 50% यदि नहीं दोगे तो तुम 35%। गांधी जी की डिमांड क्या थी? गांधी जी ने कहा 30% है, बीच का रास्ता निकालते हैं। मजदूर क्या कह रहे हैं? 50% दो, 80% अब नहीं दोगे तो। ये क्या कह रहा है मिल मालिक? क्या कह रहा है? 20% ही देंगे। मजदूर कह रहे हैं कि भाई इससे हमारा जो है नहीं चलेगा, महंगाई बढ़ी हुई है तो, और बोनस हमारा क्यों लिया जा रहा है फिर, और हमें जो जरूरत था तो काम करवा लिया गया। गांधी जी ने कहा कि दोनों के बीच का रास्ता निकालते हैं, चलो कोई बात नहीं 30% दे दो। उन्होंने कहा 30% भी नहीं दिया जाएगा। तो गांधी जी ने वहां के एक ट्रिब्यूनल कोर्ट में जो है उन मिल मालिकों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दायर, चूंकि पेशे से वकील थे ही, और उसमें जो है ट्रिब्यूनल कोर्ट ने जो है जजमेंट में सुनाया कि नहीं 35% जो है मिल मालिकों द्वारा दिया जाना चाहिए, गांधी की डिमांड सही है, तब जाकर के जो है 35% जो है दिया गया। अब जरा सोचो अहमदाबाद वाला भी, ये जो है ना पहला भूख हड़ताल के नाम से जाना जाता है, मिल मालिक का जो स्ट्राइक हुआ था, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक,
तो फर्स्ट अंडर स्ट्राइक भी गांधी जी का ये सफल रहा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों बताया था मैंने, एनजी रंगा जो है एक ऐसा लीडर था, किसान लीडर था, है ना, पीजेंट लीडर था, जिन्होंने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। दोस्तों आप सबको आज मैंने चंपारण सत्याग्रह तक फर्स्ट हंगर स्ट्राइक के बारे में भी बता दिया, और अगला जो क्लास होगी, अभी दो क्लास में जो है, दो से तीन क्लासेज में आप सबका जो है ना ये 1947 तक ये इंडियन फ्रीडम नेशनल मूवमेंट पूरी तरह से कंप्लीट करा दूंगा। आप सब अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत सारी वीडियोस आ चुकी है, आप जाकर के स्ट्रक्चर वाले प्लेटफॉर्म पर देखिए और उसमें कॉमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको कौन सी समस्या है, कौन सा प्रॉब्लम है वो भी वहां पे लिखिए, कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, ताकि हम लोग को भी जानकारी मिले और हम लोग आप लोगों के आगे जो है जो भी क्लास लिया जाता है यहाँ से आप सर्चर वाले प्लेटफॉर्म पे, हमारी हम सबकी यही कोशिश है कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके और आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है ना किसी टॉपिक को अच्छे से आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप कराया जा सके, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन जो है आसानी से वहां पे का आंसर कर पाओ। तो आप सबने बहुत ध्यान पूर्वक बहुत धीरज के साथ हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।